أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم أدم سلا ہستی میں آرزو ہے رسول عدم سے لائی ہے عدم سے ہستی میں آرزو رسول کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول
फिरती है जस्तुजो रसूल अदम से लाई है बलाए लो खिंचे रहा है सोए रसूल कि आज दामने दिल खिंचे रहा है सोए रसूल सिलाई है तलाशना कफे पाए मुस्तफा की कसम तलाशना ज़रात खाके कोए रसूल चुने हैं आँखों से ज़रात औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर टी वी वन की इफ्तार नशरियात देख रहे हैं आप तमाम देखने वालों को टी वी वन की तरफ से और मेरी यानि सनम जंग की तरफ से खुश आमदीद नूर रहमान इश्क रमज़ान में बहुत बहुत खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम आज 25वां रोज़ा है तेज़ी से ये महीना गुजर गया 25 दिन गुजर गए आज एक बड़ी अहम बात आपके साथ करना चाहती हूँ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और ये हर घर के मामलात हैं और एक रिवायत है जो आपके सामने रखूँगी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मिंबर पर तशरीफ़ ला रहे थे जब आपने पहला कदम सीढ़ी पर रखा तो आपने फरमाया आमीन जब आपने दूसरा कदम रखा आप फिर फरमाए आमीन फिर आपने तीसरा कदम रखा और आपने फरमाया आमीन वहाँ मौजूद सहाबा कराम ने अर्ज़ किया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको तीन मर्तबा आमीन कहते हुए सुना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और फरमाते हैं कि बदबख्त है वो शख्स जिसको रमज़ान का महीना मिला और उसने अपनी जन्नत नहीं कमाई जब मैंने दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बदबख्त है वो शख्स जिसको दोनों वालदैन या फिर दोनों में से किसी एक वालदैन मिले हासिल हुए और उस शख्स ने उन दोनों में से किसी एक की खिदमत ना की और जन्नत हासिल नहीं की तीसरी मर्तबा जब मैंने आमीन कहा तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि बदबख्त है वो शख्स कि जिसने मेरा नाम सुना
और मुझ पर दरूद नहीं भेजा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन कराम, इतनी बड़ी बात, तीन बातें, तीन चीज़ें जो हम अपनी ज़िंदगी में, जो हमारी ज़िंदगी में बार बार हमें मौके मिलते हैं, मतलब हम इतनी लंबी ज़िंदगी जी गए, कितने रमज़ान आके गुज़र गए। चलो रमज़ान की बात तो मैं फिर भी नहीं करूँगी, लेकिन एक ऐसी बात, जो लोग हमें इस दुनिया में लाए, वो माँ जिसने 9 महीने हमें अपने अपने बॉडी के पार्ट में, अपने अपने जिस्म में रखा, हमें इस दुनिया में लाई, हमारी खिदमत की, और आज तक वो माँ भी हमारी खिदमत कर रही है। और आज वो माएँ ओल्ड एज होम्स में मौजूद हैं, वो माएँ मोहब्बत की भूखी हैं, वो माएँ अपने बच्चों के लिए आज भी उसी तरह अपने हाथ उठाती हैं, बच्चों की दुआ के लिए, बच्चों की रिस्क के लिए, उन बच्चों की मुआफ़ी के लिए, उन बच्चों के लिए कि अल्लाह उनको जन्नत नसीब कर दे, अल्लाह उन मेरे बच्चों को माफ़ कर दे कि मेरे बच्चों ने मुझे इधर छोड़ दिया, अल्लाह उनकी मजबूरी है, या अल्लाह तू है ना मेरे साथ, मुझे और कोई नहीं चाहिए। आज मैं वालदैन के हवाले से बात करना चाहती हूँ, आज मैं वालदैन की इम्पोर्टेंस के हवाले से बात करना चाहती हूँ, आज मैं बात करना चाहती हूँ कि आपकी और मेरी तरबियत में क्या कमी रह गई है कि हमारे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और जब इस काबिल हो जाते हैं, जब उनको माँ बाप की ज़रूरत नहीं है, क्या माँ बाप की ज़रूरत सिर्फ हमें तभी होती है कि जब तक हमें उनसे कोई फ़ायदा हो, जब तक वो हमें खाना खिलाए, जब तक वो हमें दूध पिलाए, जब तक वो मेरी माँ या मेरा बाप मुझे पैसे देता रहे और मैं जाती रहूँ अब्बू मुझे ये चाहिए। जब जब हम बड़े हो जाते हैं और हम इस काबिल हो जाते हैं, पैसे भी कमाते हैं, तो हमें अपने माँ बाप की ज़रूरत नहीं, फिर हम एक एक रुपया गिनते हैं, एक एक हज़ार रुपया गिनते हैं जो हमने अपनी माँ या अपने बाप पे खर्च किए। आज हम बात कर रहे हैं वालदैन के हवाले से, आज हम बात कर रहे हैं बच्चों की, औलाद की तरबियत के हवाले से। बढ़ते हैं अपने सेगमेंट सुखने इश्क की तरफ। आज सुखने इश्क में मेरे साथ मौजूद है मुफ्ती नूर रहमानी साहब, मेरे साथ मौजूद है मौलाना याकूब बलियावी साहब, स्कॉलर हैं, राइटर हैं, टीचर हैं जामिया बिनोरिया में, मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर सरवत अस्करी, मेरे साथ मौजूद है प्रोफेसर मैमूना मुर्तज़ा मलिक, मारूफ स्कॉलर है, दिलनशीं अंदाज़े गुफ्तगू की मालिक है, और मेरी इनकी मुलाकात हो रही है एक पूरे साल बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आपा, ये आप सबको जानती हैं, ये तो हमारे घर वाले हो गए, ठीक है, करंट घर वाले, आप मेरी पुरानी घर वाली हैं अब सब एक साथ मिल गए। सो आपा, मैं आपसे शुरू करूंगी। जिस तरह मैंने बताया इंट्रोडक्शन में, औलाद की तरबियत, क्या वालदैन में कहीं कमी रह जाती है? हम क्या करें कि बच्चों को इस तरह तरबियत दें कि कम से कम बच्चे वालदैन का तो ख्याल रखें जब बड़े हो जाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सनम, बिलमिल जुल कर बहुत सारे कसूर हैं इसमें, लेकिन औलाद की तरबियत जो है ये इसका नतीजा होती है। देखिए, हमें बच्चे सुनकर नहीं सीखते हैं, देखकर सीखते हैं। बच्चा ऑब्ज़र्व करता है जब आपकी गोद में होता है, आप झूठ बोलती हैं तो वो झूठ बोलता है, आप सच बोलती हैं तो वो सच बोलता है। इसी तरह से आप कैसे अपने वालदैन के साथ बिहेव करती हैं वो ये देखता है, वो ये सीखता है। जिनके वालदैन फौत हो गए, वो दुआए मग़फ़रत करते देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली उन्हें ये पता है कि ये ज़िंदगी का एक ऐसा अमल है जिसके बिना चारा नहीं है। हम लोग अपने बच्चों को उनकी तरबियत में ये सिखाते हैं कि बड़े हो के कौन सा आपने ऑप्ट करना है जिससे आपको पैसे मिलेंगे, आपकी ज़िंदगी का आपका स्टेटस बड़ा होगा सिर्फ इस प्रोफेशन से, इस प्रोफेशन के लिए ये एजुकेशन चाहिए, और इस एजुकेशन के लिए अब हम उन्हें किसके हवाले कर रहे हैं हमें इसकी परवाह नहीं है। सही। हमने 15 साल, 16 साल, 10 साल, जो भी साल उसकी ज़िंदगी के सीखने के हैं, उन्हें उनके हवाले किया है जो कमर्शियल हैं, या वो मीडिया है, या वो स्कूलिंग है, और ऐसी है कि सिर्फ उसका लेन देन मटीरियलिस्टिक है। तो हम एंड ऑफ द डे ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो उस पर चलें जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुरान में लिखा है। हमने तो उनकी ज़िंदगी में सीरत पाक डाली ही नहीं, हमने तो उन्हें बैठकर अहादीस मुबारका सहाबियों के और ये वाली हदीस सुनाई ही नहीं, हमने तो उन्हें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत दिलाई ही नहीं। अगर ये हम सब करा लेते हैं बचपन ही में, तो फिर यकीन कीजिए बहुत बहुत मुश्किल है कि वो बच्चा आपको ओल्ड एज होम में छोड़ेगा, वो आपको अल्लाह की अमानत
और सबसे बड़ी नेमत समझेगा और अपने मुंह में निवाला डालने से पहले आपके मुंह में डालेगा। सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब तस्करी मेरे साथ यहाँ मौजूद है, आप तरबियत के हवाले से हम बात कर रहे हैं, बेटों की तरबियत बेटियों की तरबियत, इनमें कोई फ़र्क होता है या दोनों की एक जैसी तरबियत होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं आपको माह रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद देना चाहती हूँ और रब्बुल आलमीन का लाख लाख एहसान है कि आज हमने 25वें रोज़े में कदम रख दिया है, शुक्र परवरदिगार आलम का। और बात आपका उनवान बड़ा खूबसूरत है, इसलिए कि तरबियत औलाद से मुतल्लिक बात हो रही है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, तरबियत का ही हर जगह कसूर नहीं होता है, बल्कि सोहबतों को भी रंग हुआ करते हैं। और ये सिर्फ इस ज़माने की बात नहीं है, बल्कि गुज़िश्ता ज़माने में भी, ज़माने बईद में भी हमें बहुत सारे ऐसे अफराद नज़र आते हैं, चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों, जो कि अपने वालदैन के नाफरमान थे। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की वो रिवायत बहुत मशहूर है कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में मौजूद थे और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने आकर कहा कि मदीने में एक नौजवान है जो कि हालत एतज़ार में गिरफ़्तार है। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ पर तशरीफ़ ले गए तो सरकार ने देखा कि एक नौजवान वाकई बड़ी मुश्किल में मौजूद था। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कलमा पढ़ाना शुरू किया, मगर कलमा उसकी ज़बान पे जारी नहीं हुआ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यकीनन इस शख्स से कोई ऐसा गुनाह हुआ है कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी भी इसको कलमा पढ़ा रहा हूँ तो कलमा इसकी ज़बान पे जारी नहीं हो रहा। तो जब लोगों ने, उसके घर वालों ने बताया कि यह शख्स अपनी माँ का बड़ा नाफरमान था, ये अपनी माँ से बदतमीज़ी किया करता था, तो आकाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये एक बड़ी तवील रिवायत है, मैं इतनी तवालत में नहीं जाऊँगी, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस्से मुख्तसर ये कि उसकी माँ को बुलाया और कहा कि इसे माफ़ कर दो, और अगर तुमने इसको ना माफ़ किया तो ये आखिरत की आग में जलाया जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ज़माने बईद में भी ऐसे वाक़ियात पेश आते थे और ज़माने जदीद में भी ऐसे वाक़ियात पेश आते हैं। आजकल हम देखते हैं कि वालदैन की ग्रिप थोड़ी सी कमज़ोर पड़ गई है, इसलिए कि सोशल मीडिया बड़ा स्ट्रॉन्ग है और स्मार्ट मोबाइल फ़ोन हर बच्चे के हाथ में मौजूद है, उसकी वजह से हम देखते हैं कि बच्चों को वालदैन की उतनी कदर नहीं है जितनी कि पहले हुआ करती थी। लेकिन उसके बावजूद आज भी बहुत सारी औलाद ऐसी है जो अपने वालदैन के हुकूक भी अदा करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है आपा। यहाँ हम क्या कहते हैं, हम बैरून मुल्क में भी लोग जो रहते हैं उन कहते हैं हाँ वहाँ के पता नहीं बच्चों की तरबियत कैसी होती होगी। मैं भी परेशान होती कभी कभार, किसान मुझे कहता है कि चलो भी टाइम टू शिफ्ट, मैं तो यहाँ नहीं आ रहा, तुम्हें उधर आना पड़ेगा, तो मैं इस बात पर बड़ी परेशान होती हूँ। फिर मेरे कज़न हैं वहाँ, मैं उनको देखती हूँ क्या माशाल्लाह, फ़ातिमा बाजी और उनके जो शौहर हैं उन्होंने अपने बच्चों को क्या तरबियत दी है। मेहमान आते हैं भागते हुए वो बच्चे नीचे आते हैं, हमारे पाकिस्तान में ऐसे बच्चे नहीं है, मेहमान को देख के कमरा बंद कर लेते हैं, अम्मा से गुस्सा करते हैं। वो बच्चे 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे बैठते हैं, वो बच्चे नमाज, वो बच्चे इतने प्यारे बच्चे, वो बच्चे नहीं हैं, 25-26 साल की लड़कियाँ हैं वो, वो कोई छोटे बच्चे नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है जो आपा कह रही है, तरबियत तरबियत माँ बाप अगर स्ट्रॉन्ग करे तो मेरे ख्याल से जो माशरा है वो, अगर आपके घर के अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो, मेरे ख्याल में जो बाहर के वालदैन होते हैं ज़्यादा फोकस करते हैं, वो समझते हैं कि बिल्कुल ठीक। इस पर हम मजीद बात करेंगे, आप वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम वापस हाजिर होंगे, देखते रहिए नूर रहमान इश्क रमजान। रहमान इश्क रमज़ान में खुश आमदीद, हम बात कर रहे हैं औलाद की तरबियत के हवाले से, मेरे साथ मुफ्ती नूर रहमानी साहब मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, वालदैन की नाफरमानी, औलाद बात नहीं मानती, फिर तरबियत पे बात आती है, आप इसमें क्या ऐड करेंगे? रहमत व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुभान व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक बात याद रखिएगा, वालदेन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अहम ये होती है कि जब वो मियाँ बीवी हों तो उनका अंदाज़ तकल्लुम, अंदाज़ मुआशरत आपस में कैसा है। अगर वो WWF घर के अंदर रखेंगे और एक दूसरे की तजहील करेंगे और तदहीक करेंगे तो फिर वहाँ बच्चे कभी भी ना बाप की इज्जत करेंगे ना माँ की इज्जत करेंगे। सही। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बच्चे से इज्जत कराई जाती है, ये तुम्हारी वालदा हैं, बच्चे को बताया जाता है ये तुम्हारे वालिद हैं। एक डर खौफ जो हमारे वालदेन ने हमारे दिल में रखा था वो आज भी है, क्योंकि वो एक दूसरे का एहतराम करते थे। आज नौजवान नस्ल बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है, बच्चे शुरू से ही एग्रेसिव होते हैं। वो बच्चे आप देखिए, मेरे पास कुछ पेशेंट्स भी ऐसे आते हैं जो बच्चे बहुत हाइपर होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उनके उनकी मदर का या उनके फादर का एग्रेसिव जो अंदाज होता है वो उस बच्चे में अडॉप्ट हो जाता है। 3 साल का 4 साल का बच्चा सीखना बहुत शुरू कर देता है वो किस तरह बात की जा रही है,
तो शुरू से इस अंदाज़ को अपनाना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने औलाद को अदब सिखाओ, एहतराम सिखाओ। जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, हदीस है मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू से बता रहे हैं कि बच्चों को अदब सिखाना चाहिए। तो बहसत वालिद और वालदा, अच्छा किस तरह? सूरह लुक़मान के अंदर हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को मुखातिब कर रहे हैं और लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं या बुनैया, और या बुनैया का आप उर्दू में तर्जुमा कर लें ए चाँद, ए जिगर, ए मेरे नूर नज़र, ए मेरे प्यारे, ए मेरे बेटे। तो ये जुमले जब होंगे तो बच्चे के दिल में एक तस्कीन होगी और वो माँ बाप का एहतराम करेगा। अच्छा अब आइए आपका जुमला कि जो बच्चे नाफरमान हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक नौजवान आ रहा है, उसके पीछे बूढ़े माँ बाप आ रहे हैं, आपने इशारा फरमाया हुमा जन्नतुका व नारुका, वो तुम्हारी दोजख भी हैं वो तुम्हारी जन्नत भी है। तो सहाबी ने पूछा या रसूलल्लाह ये जन्नत भी है दोजख भी? फरमा अगर तुमने इनको राजी कर लिया तो जन्नत तुम्हारी है और ये तुमसे नाराज हो गए तो जहन्नुम तुम्हारी है। तो अगर आपने अपने, और हदीस है अल अदब अल मुफ़रद के ना इमाम बुखारी इसको सबसे पहली हदीस लेके आए कि जिसके वालिद राजी समझ जाओ उससे अल्लाह राजी, और जिसके वालिद नाराज उससे अल्लाह नाराज। और एक हदीस है सलासु दावात मुस्तजबात लहुन्ना, तीन की दुआ अल्लाह रद्द ही नहीं करता। आज हम सब जाते हैं कि आप दुआ करें अपना, याकूब आप मेरे लिए दुआ करें मेरे काम हो जाए, मेरे नबी मुझे बता रहे हैं कि जमाने का सबसे बड़ा वली आजम तुम्हारे घर में मौजूद है। कौन? फरमाया दावत, तीन की दुआ कबूल बिल्कुल हर हालत में कबूल होती है। कौन? दावतुल वालिद, वालिद दुआ कर दे फर्श से अर्श पे जाती है। आपके घर में वो मौजूद हैं जो आपके मुस्तकबिल की दुआ करें तो आपकी ज़िंदगी में निखार आ जाए, जो बैरोनुकी हो जाए वो रौनक में तब्दील हो जाए। तो अच्छा दूसरी बात यह है, अब जहन में रखिएगा एक छोटा सा मैसेज, जो हमारी सीरत होती है ना, मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पे 15 रमज़ान को इमाम हसन की पैदाइश का दिन मनाया, उससे पहले हमने बीबी खतीजा का दिन मनाया, अम्मा आयशा रदी अल्लाह, ये सीरत मनाने की नहीं होती अपनाने की होती। बिल्कुल, जिस तरह ये बात कर रही थी आप, आज छोटे बच्चों को हम मोबाइल देते हैं और भूल जाते हैं, इसमें वो कार्टून देख रहे हैं जिससे वो एग्रेसिव हो रहे हैं, उसमें मार धाड़ सिखाई जा रही है, उसमें कोई अदब एहतराम नहीं सिखाया जा रहा, जिसकी वजह से वो चीज पिक कर रहे हैं। ये समझते हैं बच्चे छेड़ना अफजल है। हम छोटे थे तो हमारी नानी दादी हमें बताती थी कि देखो अदब करना सिखाया जाता था, देखो बड़ों का एहतराम करना सिखाया जाता था, कहानियां बताती थी। जो शख्सियत थी ना आज, ये हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह थे, ये जो शख्सियत थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। तो हमें चाहिए, मुझे अपने वालिद और वालिदा के अंदाज को अपनाना है, अपने बच्चों को टाइम देना है और वक्त सबसे ज़रूरी देने के बाद उनकी तरबियत करनी। बिल्कुल ठीक, यहाँ मेरे साथ मौजूद है मौलाना याकूब बलियावी साहब, बच्चों की तरबियत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिर्रब्बिलआलमीन, सल्लल्लाहु वसल्लम अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन। माशाल्लाह तमाम दोस्तों ने यहाँ पर बहुत अच्छी गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू में जो अहम पॉइंट था, जो जिससे मैंने ख़ुलासा भी निकाला और यही असल हकीकत है इस मौजू की, कि तरबियत के अंदर इंसान के अपने ज़ाती किरदार का बहुत बड़ा अमल दखल होता है। मिसाल के तौर पर आपने जो सवाल किया, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों की कैसी तरबियत फरमाई, तो उसमें हकीकत यह है कि आप अलैहिस्सलाम ने वो सारी चीज़ें करके दिखा दी अपने बच्चों को भी और पूरी दुनिया को भी, कि जिस पर अगर आप अमल करना शुरू करें तो आप वाकई एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। एक हदीस के अंदर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की हदीस है, अश्शकी मन शकी फ़ी बतनी उम्मी, कि बदबख्त तो वो शख्स है जो अपनी माँ के पेट में ही बदबख्त हो जाता है, वह सईद मन सईद फ़ी बतनी उम्मी, और नेकबख्त भी वो है जो माँ के पेट में ही नेकबख्त हो जाता है। अब एक सहाबी ने इतराज़ किया कि कैसे, मतलब फिर इस पर यह भी इतराज़ होता है कि फिर हमें तरबियत की क्या ज़रूरत है, जब बच्चा माँ के पेट में ही बदबख्त हो गया या नेकबख्त हो गया तो फिर हमारा क्या किरदार है, हम कैसे ये सोच सकते हैं कि हम किसी की अच्छी तरबियत करें। तो इसके बारे में हदीस के अंदर बहुत सारी बातें आई हैं। देखें, बच्चे की जो तरबियत होती है वो हमारे अंदर एक गलत सोच बन गई है कि वो पैदाइश के बाद शायद उसकी तरबियत शुरू होगी, या बाज़ लोगों की सोच तो यहाँ तक है कि वो जब बोलने और समझने की या गलती करने के काबिल हो जाएगा फिर उसकी इस्लाह शुरू की जाएगी। शरीयत तो हमें ये ऐसे इशारे दे रही है कि बच्चे की पैदाइश से पहले जब वो माँ के पेट में है उसी वक्त से उसकी तरबियत शुरू हो जाती है। अच्छा,
ایک حدیث کے اندر, اچھا بچے کی تربیت پیدائش سے پہلے, اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے تو ماں باپ کیسے ہونے چاہیے, ایک حدیث کے اندر آتا ہے نکاح کا جب کوئی پیغام لے کے جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ, اگر تمہارے پاس کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام لے کر آئے جس کے دین سے اور اس کے اخلاق سے تم مطمئن ہو تو شادی کر دو. اب یہاں پر ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ نسل چونکہ ماں باپ سے ہی چلتی ہے, تو نیک اور دیندار آدمی اگر شادی کرے گا تو امید قوی یہی ہے کہ اس کی نسل بھی اچھی پیدا ہوگی. ایک دوسری حدیث کے اندر لڑکی کے بارے میں آتا ہے کہ تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک, اگر عورت کا نکاح جو ہوتا ہے وہ اس کی بہت ساری خصوصیات کی وجہ سے ہوتا ہے, بالکل, لیکن اگر دین کی بنیاد پر اگر تم نے جو ہے اپنی زوجہ کا انتخاب کیا تو تم کامیاب ہو گئے. بنان صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ جو بچوں کی تربیت کا سلسلہ ہے وہ ان کی پیدائش سے پہلے اور پیدائش کے بعد تک جاری رہتا ہے. یہ نہ سمجھے کہ بچہ جب دنیا میں آئے گا اس کے بعد ہی تربیت ہوگی. ماں کیا کر رہی ہے, کیا وہ بچہ سن رہا ہے, ماں کی کیا عادت ہے, وہ قرآن پڑھتی ہے, وہ نماز پڑھتی ہے, وہ ذکر کرتی ہے, بچہ سب سیکھ رہا ہے, اور یہ سب چیزیں بچے کی پرسنالٹی میں ایڈ آن ہو رہی ہے. آپا میرے ساتھ یہاں موجود ہیں, آپا مجھے بتائیں کہ حضرت امام حسن حضرت امام حسین کی تربیت کس طرح کی گئی, ان کی تربیت سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ قربان جائیں, ان کی تربیت تو صرف ماں ہی نے نہیں کی, ان کی تربیت تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی فرمائی, نام سے لے کے گود میں کھلانے تک, گھٹی لگانے تک, اور بلکہ گود میں اٹھا کے ممبر پہ خطبے تک دینے تک. ان کی تربیت تو صرف والدہ محترمہ نے نہیں, سیدنا علی مرتضیٰ نے بھی کی, اور جن کی تربیت خود آقا کریم نے کی, تو وہ ان کی تربیت کی تو کیا ہی بات ہے. لیکن چونکہ ہمارے سامنے مثال یہی ہے تو ہم اتنا تو کر سکتے ہیں نا سنم, کہ اپنے بچوں کو روزانہ چند احادیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ, حضرت امام حسن, حضرت امام حسین, سیدہ فاطمہ, حضرت علی مرتضیٰ, انہی کے واقعات بتا دیں, مدینہ کی زندگی کے واقعات بتا دیں, مکہ کی تکلیفوں کے واقعات بتا دیں, امانت, جھوٹ, سچ, ان سب کی چھوٹی چھوٹی باتیں بتائیں, اور اس کے ساتھ ان میں سے کسی ایک شخصیت کا کوئی واقعہ سنائیں جو اور ہمیں ملتے ہیں. آپ سیرت کھولیں تو سیدہ امام حسن کی بھی چھوٹی سی بات ہے کہ ان کی شباہت بھی ویسی ہے, ان کا چہرہ انور بھی ویسا ہے, چال بھی ویسی ہے, اور ایک دن دسترخوان لگا کے وہ کھانا کھلا رہے ہیں تو ایک آدمی کو بار بار پوچھ رہے ہیں اور چاہیے اور چاہیے, تو وہ حیران ہو کر کہتا ہے آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں, میں یزیدی فوج میں تھا. تو وہ فرماتے ہیں میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں, یا اللہ میں نے تمہیں پہچان لیا ہے, لیکن تب ہم تمہارے علاقے میں تھے اور تم نے ہمارے ساتھ وہ سلوک کیا جو تمہاری تربیت تھی, اب تم کہاں ہو؟ مدینہ منورہ میں. تم کس کے علاقے میں ہو؟ آقا کریم کے, اور تربیت میری انہوں نے کی ہے. سبحان, اب میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا جو میری تربیت میں ہے, کہ دشمن بھی گھر آ جائے تو اس کو بھی کھانا بھی پوچھنا ہے اور اس کی میزبانی بھی کرنی ہے. تو سنم بات یہ ہے کہ ہماری جو مائیں جو بھائی نے بات کی نا, پیٹ میں بھی تربیت ہوتی ہے. بڑی بڑی جتنی شخصیات کو لو, ان کے پیچھے کون ہے؟ ان کی ماں. شیخ عبد القادر جیلانی لے لو, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ لے لو, ایک امام کا واقعہ ہے امام حرم کعبہ کا, کہ ان کی ماں ان کو غصے میں جب آتی بہت جلال میں, وہ بہت شرارتی تھے تو وہ خود بتاتے ہیں کہ میں اتنا شرارتی تھا کہ میں ماں میری جب بہت جھنجھلا جاتی تو کہتی ہیں جا تجھے اللہ حرم کا امام بنائے. کہاں افریقہ میں وہ اور کہاں حرم جو ہے کعبہ شریف کا. تو اچانک وہ کہہ لیں کہ میں حفظ کر رہا تھا, ایک ٹیم آئی, انہوں نے میرا قرآن سنا اور انہوں نے میرے ماں باپ سے کہا کہ اسے لے جائیں مکہ میں, اس کی تعلیم اور تربیت کی ہم ذمہ داری کر لیں, اور آج وہ امام حرم ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ڈاکٹر سرور تسکری میرے ساتھ یہاں موجود ہے. آپا آج کل کے جو والدین ہیں وہ اس مسائل میں پڑے ہوئے ہیں کہ بچوں کو اچھی تعلیم بھی دینی ہے, اور اچھی تعلیم کے لیے وہ باہر ملک بھیجتے ہیں, اور پھر جب وہ تعلیم بچے لے لیتے ہیں وہاں وہ کام کرنے لگتے ہیں, ماں باپ کو دل ہوتا ہے کہ بچے واپس آئیں. اب یہاں کیا کہیں گے, کیا بچوں کو یہ حق ہے کہ بچے اپنا فیوچر کے بارے میں سوچیں, یا وہ ماں باپ جو انتظار کرتے رہ جاتے ہیں کب آئیں گے, اب میری اولاد کب, کیا اس سلسلے میں بڑی کنفیوژن ہے آپ کا؟
سب سے پہلے جو آپ کا پچھلا سوال تھا جو کہ میمونہ آپا سے کیا گیا, میں چاہتی ہوں کہ اس میں تھوڑا سا حصہ ڈالوں کہ چلو سلام کریں اس کے آستانے کو, حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. شہزادی کون ہیں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا عظیم گھرانہ اور عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے, اور ان گھر اس گھرانے کا طریقہ ایسا تھا کہ اس گھرانے میں جو بھی آیا اس نے اسلام کی تقدیر بدل دی. اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے, اس لیے کہ بچوں کو بھیجا جاتا ہے ظاہر ہے پڑھنے لکھنے کے لیے, لیکن اس کے بعد والدین کی تمنا یہ ہوا کرتی ہے کہ بچے واپس آ جائیں. اچھا میں یہاں پر بچوں کو بھی کہیں کہیں پر حق بجانب جانتی ہوں, اس لیے کہ اگر پیچھے مسائل اور مشکلات بہت زیادہ ہوں گی تو بچے نہیں بھی آ سکتے, لیکن وہ جہاں پر ہوں وہاں پر اپنے والدین کو بلا سکتے ہیں, اور نہ صرف ایک اپنے والدین کو بلا سکتے ہیں بلکہ آخری وقتوں میں ان کی خدمت کر کے اپنی آخرت بنا سکتے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر اولاد یہ چاہے کہ وہ اپنی آخرت بنا لے, اپنی دین بنا لے, تو پھر اس کو اپنے والدین کی خدمت کرنی ہوگی. مولا کائنات حضرت علی نے کے گھر ایک مرتبہ ایک باپ اور بیٹے آئے, تو عرب کے جو طریقہ تھا کہ والد کے ہاتھ دھلائے جاتے تھے, تو حضرت علی نے اپنے بیٹے اس کے باپ کے ہاتھوں کو دھلایا اور اس کے بیٹے کو اپنے بیٹے امام حسن مشتبہ علیہ السلام سے کہا کہ تم اس کے بیٹے کے ہاتھ دھلاؤ تاکہ باپ اور بیٹے میں فرق رہے, باپ اور بیٹے کے مدارج اور مراتب میں فرق رہے. تو اتنے خوبصورت واقعات ہمارے پاس ہیں, اتنے خوبصورت طریقے ہمارے پاس ہیں کہ اگر ان طریقوں کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی بہترین ہوتی چلی جائے گی. بالکل صحیح. یہاں میرے خیال سے وقت ہوا ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد ہم واپس حاضر ہوں گے. آج ہم وقت ہے میرے پاس, چلیں جی بہت اچھا ہوا میرے پاس وقت ہے. مفتی نور رحمانی سے ہم جاتے جاتے میرے پاس, کیونکہ 30 سیکنڈ ہے, تمام والدین تمام بچے جو اس وقت ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بچے نا خالی ایک طریقے سے برتن ہوتے ہیں, اب اس میں جو ڈالیں گے وہی بھرا جائے گا, زہر ڈالیں گے تو زہر بھرا جائے گا, محبت ڈالیں گے محبت بھری جائے گی, دین اسلام کی محبت ڈالیں گے, سوسائٹی کے حوالے سے نبی اسلام کس طرح رہتے تھے, بھائی کے ساتھ نبی کا کیا رشتہ تھا, بہن کے ساتھ کیا تھا, بیٹوں کے ساتھ کیا تھا, لوگوں کے ساتھ کیا تھا, وہ سچ بولتے تھے, سچ بولنا پسند تھا, وہ رحم کرتے تھے, وہ عطا کرتے تھے, وہ معاف کرتے تھے. مجھے عرب کے اندر بڑا اچھا یہ لگتا ہے کہ مدینے میں آپ جائیں نا تو عرب چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ وہ کھجور دیتے ہیں, اور بچے چھوٹے چھوٹے بچے پکڑ پکڑ کے ایک ایک آدمی کو کھجور دے رہے ہوتے ہیں. شروع سے بچوں کی تربیت ان کو بانٹنے والا سکھایا جاتا ہے, مانگنے والا نہیں سکھایا جاتا, یہاں کی طرح ان کے ذہن میں ڈالا جاتا ہے تم جتنا دو گے اللہ تمہیں اتنا عطا کرے گا, تم جتنا معاف کرو گے اللہ تمہیں معاف کرے گا, تم رحم کرو گے تم پہ رحم کیا جائے گا. یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک کے بعد ہم واپس حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے نور الرحمان عشق رمضان. مولا یا صلی وسلم دائماً. ناظرین کرام, نور الرحمان عشق رمضان میں خوش آمدید. ہمارے دین میں بڑی امپورٹنس دی گئی ہے, جب بھی کوئی جنگ سے پہلے جو ہدایت دیا کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس میں یہ چیزیں ضرور کیا کہتے تھے اور یہ ضرور فرماتے تھے کہ سب سے پہلے کسی بوڑھے کو قتل نہ کرنا, کسی بچے کو قتل نہ کرنا, کسی عورت کو قتل نہ کرنا, جو چشمے ہیں ان کو خشک نہ کرنا, ان کو ویران نہ چھوڑنا, اور درخت مت کاٹنا. مطلب آپ سوچیں آج سے 1400 سال پہلے تب سے کلائمیٹ کے حوالے سے درس دیا جا رہا ہے, ہمیں رہنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے. اور آج میرے ساتھ راہ نیکی کے سیگمنٹ میں ایسے ہی ایک ریپرزینٹیٹیو موجود ہیں جو ایک آرگنائزیشن کلائمیٹ کے اوپر کام کر رہی ہے. آج ہم بات کریں گے کہ وہ کس طرح راہ نیکی پہ چل رہے ہیں ہمارے لیے اور مرین لائف کے لیے بہتر زندگی بنانے کا کام کر رہے ہیں. بڑھتے ہیں سیگمنٹ راہ نیکی کی طرف. ناظرین کرام, راہ نیکی کے سیگمنٹ میں آج میرے ساتھ موجود ہیں ریجنل ہیڈ آف مرین پروگرام سندھ بلوچستان ریجن, یہ ریپرزینٹ کریں WWF پاکستان کو, ایکس ریٹائرڈ کمانڈر ہے نیوی کے, 30 سال آپ نے نیوی کو سرو کیا. آپ کا نام ہے غازی صلاح الدین صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سب سے پہلا سوال, نیوی کو سرو کیا 30 سال, اس کے بعد یہاں WWF کا یہ جو انیشیٹو ہے اس کو جوائن کرنے کا کیا مقصد تھا آپ کا؟ یہ نیوی میں جیسے آپ دیکھیں کوئی جو آبجیکٹیو ہے, اگر ہم بگر آبجیکٹیو کو مد نظر رکھیں تو کوئی اتنا فرق نہیں ہے. نیوی کا کام ہوتا ہے میری ٹائم انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا,
और पाकिस्तान नेवी का काम पाकिस्तान मैरीटाइम इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। अगर आप WWF का मेन जो ऑब्जेक्टिव है, मेन एम है सेव द प्लैनेट, तो वो प्लैनेट को प्रोटेक्ट करना है, तो आदमी एक बड़ी चीज़ की तरफ जाता है ना, उसका एम होता है कि मैं कोई बड़ा काम करूं। तो ये जब मैं रिटायर हुआ तो मेरा ये काम था कि मैंने ये सोचा कि मैं कोई ऐसी चीज़ करूं जिसमें अपनी प्लैनेट के लिए, अपनी प्लैनेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्वेशन के लिए कुछ किया जा सके, तो मैं इस वजह से WWF को ज्वाइन किया। अच्छा जी, सो अभी जो हम पैकेज देख रहे थे उसमें आखिर में लिखा है लिविंग विद मैनग्रोव्स, तो ये जो विलेजर्स हैं आप इनको भी क्या लाइवलीहुड फराहम कर रहे हैं, किस तरह मामला चल रहा है, मैनग्रोव्स को भी सेव कर रहे हैं और इनको भी, हाउ इज इट को रिलेटेड, किस तरह हो रहा है सारा काम? ये देखें जो लिविंग विद मैंग्रोव्स, ये जो जहाँ मैंग्रोव्स की प्लांटेशन की जाती है ना, ये असल में पाकिस्तान जो है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की कोस्ट को इस तरीके से बनाया है कि तकरीबन 6 लाख हेक्टर्स जो एरिया है, जो इंडस डेल्टा का एरिया है सिंध का, जो हमारे पाकिस्तान के कराची के ईस्ट में है, तो इधर यहाँ पर तकरीबन 6 लाख हेक्टर्स के एरिया के अंदर जो ये एरिया है, इसमें मैंग्रोव की प्लांटेशन की जाती है। अब जब आप वहाँ मैंग्रोव की प्लांटेशन करेंगे तो वहाँ कम्युनिटी भी रह रही है, तो कम्युनिटी की डिपेंडेंस होती है मैंग्रोव्स के ऊपर, क्योंकि अनअवेयरनेस की वजह से क्या है कि वो मैंग्रोव्स को, कि जो लकड़ी होती है उसको काटना शुरू कर देते हैं और वो उसको यूज़ करते हैं एज़ अ, आप समझे कि टिम्बर वुड को फ्यूल, एज अ आप समझे कि वो जलाने के लिए लकड़ी को यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ गैस वगैरह की तो एक्सेस नहीं है। तो अब लिविंग विद मैंग्रोव्स के हम उनको अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि हाउ टू लिव विद मैंग्रोव्स, तो या इसकी अहमियत आपकी ज़िंदगी में क्या है, तो आप क्योंकि ये अगर आप इसको काटेंगे तो इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं, तो हमें ये चीज़ में हम अवेयरनेस तो इसलिए कहते हैं। इस वक्त तमाम नाज़रीन देख रहे हैं, उनको बताएं कि मैंग्रोव्स की इम्पोर्टेंस क्या है। मैंग्रोव्स की इम्पोर्टेंस ये है कि मैंग्रोव्स, जैसे मैं एक चीज़ पढ़ रहा था कुछ दिन पहले कि जब कोई बीमारी आती है तो उसका इलाज भी होता है। अल्लाह ताला ने जैसे बीमारियाँ पैदा की हैं तो हर बीमारी का कोई ना कोई इलाज है। ये डिपेंड करता है आप किस हद तक रिसर्च करते हैं और आप कितनी जल्दी उसको आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो इसी तरह का जो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की जो साहली पट्टी है तकरीबन 1000 किलोमीटर तक है, जिसमें सिंध और बलूचिस्तान जो है वो दो कोस्टल प्रोविंस हैं। इसके अंदर अब जो भी कोस्टल स्टेट होती है, जो कोस्टल प्रोविंसेस होती हैं, वो वल्नरेबल होते हैं क्लाइमेट चेंज, जो मौसमी तब्दीलियाँ हो रही हैं उसमें, अब पाकिस्तान तो उसमें हाईली वल्नरेबल है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब इसके लिए अल्लाह ताला ने मैंग्रोव्स की प्लांटेशन के एक सिलसिला जो है हमें WWF को और बहुत सारे दीगर इदारों को, जिसमें IUCN भी है, सिंध फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, बलूचिस्तान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और पाकिस्तान नेवी है, इन मिलकर जो है वो मैंग्रोव जो हैं वो तकरीबन 2 लाख हेक्टेयर्स तक यहाँ पे प्लांटेशन की है। ये सबसे पहले ये है कि ये जो कम्युनिटी के लिए सबसे ये लाइफ लाइन है, कम्युनिटी को जो सबसे पहले साइक्लोन जो आते हैं, स्टॉर्म्स आते हैं, इसमें कम्युनिटी सबसे पहले जो होती है वो वल्नरेबल होती है, उसके बाद वो मेन एरियाज के अंदर वो हिट करते हैं, तो उनके लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। यानी आप ये समझे कि सबसे पहले वो, क्योंकि इसकी जो लकड़ी होती है इसकी कोटिंग इस तरह होती है कि ये बड़े से बड़ा जो प्रेशर है पानी का, अच्छा, उसको रिड्यूस कर देती है। अच्छा। अब ये इसको रिड्यूस, अब अगर आप कोई और दरख्त लें, वैसे तो कोई और दरख्त जो है मैंग्रोव के अलावा समंदर के में लग नहीं सकता, लेट्स से कि अगर हम लगा भी लें तो जो ये सी वाटर होता है, ज़ाहिर ब्रैकिश वाटर होता है, और ये 2 दफ़ा जो हाई टाइड होती है पूरे दिन में, जैसे पाकिस्तान की ज्योग्राफी है इसमें 2 दफ़ा हाई टाइड होती है, 2 दफ़ा लो टाइड होती है, सेमी डायनल टाइड्स कहते हैं इसको, तो इसमें क्या है कि वो प्रेशर को वो सस्टेन करते हैं और उस पानी को हमारे लिए भी बेहतर है, ये हमारे लिए भी बहुत है, बिल्कुल। और अब क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ये साइक्लोन्स हैं और स्टॉर्म्स हैं इनकी इंटेंसिटी बढ़ गई है, तो ये तो आप समझे कि हमारे लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और बहुत इंपॉर्टेंट है। बिसाइड्स इसके अंदर बहुत सारी मरीन स्पीशीज जो है उसकी अफजाइश होती है, फिश हैं, क्रैब्स हैं यानी झींगे, केकड़े और परिंदे जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो यहाँ पर आते हैं मैंग्रोव्स में, और बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक्टिविटी इको टूरिज्म के हिसाब से भी हो सकती है। बिल्कुल। अच्छा, आजकल जो ब्लू इकॉनमी दुनिया भर में ज़ाहिर बहस है, तो ज़रे बहस है, तो मैंग्रोव्स के तहफ़ को ब्लू इकॉनमी के तनाजुर में कैसे देखते हैं? हाँ, ब्लू इकॉनमी आजकल बेसिकली आप ब्लू इकॉनमी आप समझें जैसे ओशन इकॉनमी है ना,
ब्लू से रिलेटेड, ओशन से रिलेटेड, क्योंकि ओशन ब्लू होता है तो इसलिए इसको ब्लू इकोनॉमी कहते हैं. यानी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो ओशन से रिलेटेड हो और उसमें हम ये सस्टेनेबिलिटी को, पायदारी को इंश्योर करें और कि हम लेट्स से कि मैंग्रोव्स को ही ले लें कि हम जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे उसमें मैंग्रोव्स को की कटाई नहीं होगी या मैंग्रोव के जो जंगलात हैं उनकी कटाई नहीं होगी उस तरह. क्योंकि देखें जो ओशन है ना, आप ये समझें कि एक प्लैनेट हमारा अर्थ, जो जमीन हमारा प्लैनेट है, ओशन उसकी लंग्स की हैसियत रखता है. अच्छा, लंग्स की हैसियत इसलिए कि 50% तकरीबन ऑक्सीजन जो है वो ओशन से आती है. इसी तरह 25% कार्बन जो है वो इसको स्टोरेज कर वो करता है 25%. अब जैसे मैंग्रोव के एक फायदे में ये भी है कि कार्बन को सिक्वेस्ट करते हैं, स्टोर करता है. अच्छा. अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जितनी कार्बन एमिशन बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट है, तो ओशन 25% कार्बन को स्टोर करता है. और इसी तरह जो इससे कार्बन एमिशन से जो हीट प्रोड्यूस होती है, 90% ऑफ द हीट जो है तकरीबन ओशन जो है वो एब्जॉर्ब करता है. तो अब जो ब्लू इकोनॉमी के अंदर जो भी एक्टिविटी हम करें, चाहे वो फिशिंग हो, शिपिंग हो, मिनरल एक्सप्लोरेशन हो, उसमें ये इंश्योर करेंगे ठीक है जी. अच्छा गाजी साहब, मुझे बताएं कि तमाम नाज़रीन को, क्योंकि हमें ब्रेक पे भी जाना है, ये WWF जो इदारा है उसको मदद पाकिस्तान में अगर हम देखें तो उसको मदद कौन करता है? क्या कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं जो आपके पार्टनर करते हैं आपके साथ? देखिए इसमें कुछ तो हमारे कॉर्पोरेट पार्टनर्स हैं जो मिल के हमारे साथ प्रोजेक्ट्स करते हैं और उसमें उनकी तरफ से उनका एक इनिशिएटिव होता है और उनके साथ मिलकर हम काम करते हैं. इसी तरीके से कुछ हमारे इंटरनेशनल, हमारे मोर देन 100 कनेक्शंस हैं WWF पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि WWF की जो एक 6 प्रैक्टिसेस हैं जिसके ऊपर वो काम करते हैं, जिसमें फ्रेश वाटर और ओशन प्रैक्टिसेस एक है, उसमें क्लाइमेट चेंज है, उसमें वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट्री है, फूड. तो उसमें जो इंटरनेशनल बहुत सारी हैं, जैसे हम WWF जर्मनी के साथ कर रहे हैं. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गाजी साहब, थैंक यू सो मच यहाँ आकर हमें अवेयरनेस देने के बारे में, WWF के बारे में बताने के लिए, और स्पेशली जो स्पेसिफिक काम अभी चल रहा है मैनग्रोव्स के ऊपर, उसकी प्रोटेक्शन के ऊपर, उस पर अवेयरनेस देने का बहुत बहुत शुक्रिया. वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम वापस हाजिर होंगे. देखते रहिए नूर रहमान इश्क रमज़ान. नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़ी रहने से काम होगा. दरे नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े रहने से काम होगा. तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सनाम होगा. कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सनाम होगा. खिलाफे माशूक कुछ हुआ है ना, कोई आशिक से काम होगा. खिलाफे माशूक कुछ हुआ है ना, कोई आशिक से काम होगा. खुदा भी होगा उधर ही है दिल, जिधर वो आली मकाम होगा. खुदा भी होगा उधर ही है दिल, जिधर वो आली मकाम होगा. Yeah.
नशा में मतलब की सुबह होगी न ये फसाना तमाम होगा नशा में मतलब की सुबह होगी न ये फसाना इश्क रमजान में खुश आमदीद। और अब वक्त है कि हम बढ़े अपने सेगमेंट लज्जत इफ्तार की तरफ। जी जनाब, लज्जत इफ्तार में मेरा इंतजार कर रही हैं आप सबकी फेवरेट शेफ नौरीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप भाई? बिल्कुल ठीक। बहुत अच्छी लग रही है सनम। आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं और ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है जामे शीरिन के काउंटर पे। ये क्या जबरदस्त आप चीज लेके आई, क्या हो रहा है भाई? आज हम बना रहे हैं गुजराती एंड मराठी, एक डिजर्ट होता है। अच्छा, मतलब इंडिया का सबसे बेस्ट डिजर्ट है ये। अच्छा, तो हम बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी श्रीखंड। क्या कहते हैं? स्ट्रॉबेरी श्रीखंड। श्रीखंड, हाँ। और ये कितना अच्छा आपने डेकोरेट किया ना चीनी से। हाँ। आप आए देखे तो सही। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि चीनी को भी कहीं आप इस्तेमाल कर सकते हैं डेकोरेशन में। बादाम थोड़े से डाले हैं, अखरोट, ये देखें कितना चीनी डाल के ऐसे से फैला दिया। लवली है ना, मैं तो ऊपर के देख रही थी। हाँ, तो भाई बताएं किस तरह हम बनाएं, मुझे और आपको सिखाएं। बिल्कुल, हम ये बनाएंगे कर्शी के जामे शीरी से, जो रोज वाला है, लाल वाला, इसके साथ हम बनाएंगे। अच्छा, ये मैंने दही लिया है आधा केजी, हाफ केजी मैंने इसमें योगर्ट लिया है। इसमें 3 से 4 केले जाएंगे। सही। 1 कप क्रीम है, 1 कप दूध है, और चीनी 3 टेबल स्पून है, और स्ट्रॉबेरीज है चॉप 6 से 8। ठीक है। और ये पिस्ते, बादाम, काजू, और ये हमने खजूर को डीसीडेड करके, मतलब बीज निकाल के चॉप कर लिया था। सही। ठीक है, तो चले अब हम क्या करेंगे, दही को थोड़ा सा हम फेटेंगे। फ्रेश दही ले हम? बिल्कुल फ्रेश दही ले ले। ठीक है। ठीक है, हमने ये किया, इसमें थोड़ी सी हमने चीनी डाली। ठीक है। ठीक है, हमने इसको अच्छी तरह से बीट किया। साथ साथ इसमें जाएंगी ये खजूरें। जबरदस्त। अच्छा, खजूरों को गरम नहीं, कुछ नहीं, बस चॉप करना है आपको। हाँ, कुछ भी नहीं, जस्ट चॉप करना है। ठीक है, चॉप करके आपको डाल देना है।
फिर इसमें जाएंगे ये क्रीम, ठीक है? लवली, एक पैकेट क्रीम का, वन टेट्रा पैक, एक पैकेट क्रीम जाएगा इसमें। सही, मैं तो सनम रोजाना ये सोचती हूँ कि वो कौन खुश नसीब लोग होंगे जो ये सब खाते होंगे अफ्तार में, है ना? ऐसे जिनके घर में ये लोग होते हैं, वो खाते हैं। अच्छा, एक कप इसमें जाएगा दूध। सही, ठीक है, ठीक है जी, दूध भी आ गया जी, दूध भी आ गया इसमें। अब हम इसमें डालेंगे ये बनानास। डन, बनानास चले। आप लोग ऑप्शन है, मतलब आप लोग इसमें जो भी दिल चाहे जो भी फ्रूट डाल सकते हैं। सही है, पाइन एप्पल डाल सकते हैं इसमें, कुछ भी डाल दें। अच्छा, ये इसमें जाएंगे स्ट्रॉबेरीज। कलर चेंज हुआ है। हाँ, लेकिन मैं ये सोचूं नौरीन के आपने इतनी सारी इतनी अच्छी अच्छी चीजें डाली है, तो उसमें शुगर तो ऑप्शनल है। शुगर ऑप्शनल है, ऑप्शनल शुगर ये रहा ना, जामे शीरियों में थोड़े से नट्स इसमें डाल दिए थे, ये मेरे तो मैंने तो चीनी कम डाली है, लेकिन ऑप्शनल है, आप लोगों को डालना है। शहद भी डाल सकते हैं, लेकिन जब कर्शी का जामे शीरी है तो जरूरत नहीं है। अक्सर लोग है ना गुड़ का शरबत भी बना के रखते हैं, गुड़ को पानी में उबाल 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 के वो सिरप बन जाता है, तो वो भी अच्छा है, मुफीद होता है, शुगर से बेहतर होता है, बहुत बेहतर होता है, हेल्दी होता है ना। अच्छा सनम, अब हम इसको सर्व करेंगे। या मुझे प्रेजेंटेशन बहुत ही जबरदस्त लगी है, बताओ। थैंक यू। और ये हेल्दी बहुत है, आप तो सैरी में भी, मुझे लग रहा है आप सैरी वैरी छोड़े, सब ये सब तैयारियां हो रही है ईद की, ये ईद के दिन जब हम इनके घर आएंगे तो ये इस तरह के हमें डिजर्ट्स मिलेंगे, तो मेरे ख्याल से हमें जाना चाहिए। बिल्कुल, डिजर्ट भी मिलेंगे, खाने भी मिलेंगे, खाने भी मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, लेकिन अब तो मैं हमारे साथ बैठी होगी, ये सनम अब ये हो रहा है, आप वो हो रहा है, ये करोगी क्या करोगी? वैसे नौरीन ने, ये चैनल्स पे बनाना आसान है, ये खाने ये घर पर मेहमानों के लिए बनाना आसान है, मेहमानों के लिए भी, चैनल्स पे भी, हमें तो आदत हो गई आपा। लेकिन आप खुद देखे ना क्या था इसके अंदर, मतलब कितनी देर, 2-2.5 मिनट के अंदर ठक 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 हो गया, चलो जी तैयार। Exactly. अब हम जब कोई चीज करने जाते हैं, मैं तो सोचती रह जाती हूँ, आए हाय कैसे करूंगी, ये सोचते नहीं है, बस करके दिखाते हैं। सही बात है, बिल्कुल। अच्छा ये लेकिन कुछ लोगों में होता है भाई, ये कल मैं अपनी बड़ी खाला से मिली, बेसिकली वो मेरी कज़न की खाला है, तो मेरी एक्चुअल रूबी चाची है, उनकी बहन है, तो वो मेरा जो कज़न है वो कह रहा था अपनी बीवी को, बेचारी मेरी बीवी ना, तो कहती है बेचारी क्या होता है, बीवी क्यों बेचारी है, हम बेचारे नहीं है, मतलब यार जो काम करना है वो करना है। एग्जैक्टली, उनकी बात अच्छी लगी, कह रही कैसा लगेगा, मैं कहूँगी बेचारे शौहर कमा के घर आए थके हारे, कहते हमें भी नहीं अच्छा लगता। यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, इसका नाम क्या था बताओ जल्दी, स्ट्रॉबेरी श्रीखंड, स्ट्रॉबेरी श्रीखंड, जामे शीरी 100% खालिस। दिख रहा कि नहीं दिख रहा, कहाँ है, कौन से कैमरा में दिख रहा है, अरे मेरे हाथ में है, क्यों नहीं दिख रहा है। अच्छा ओके जी, तो ये जामे शीरी 100% खालिस, एक बूंद भी मिलावट नहीं, और ये जबरदस्त इनने पता नहीं क्या बनाया, इसका नाम मुझे याद नहीं, स्ट्रॉबेरी श्रीखंड, बिल्कुल जी, इसके साथ हम जाएंगे एक ब्रेक पे। बहुत अच्छा लग रहा है। रहमान इश्के रमजान में खुश आमदीद, अब वक्त हुआ है ऐसे लोगों से मिलाने का जिनसे मिलकर मुझे बड़ी एनर्जी मिलती है। जब आप सक्सेसफुल लोगों से मिलते हैं, जब वो आपके आसपास होते हैं, तो उनकी थोड़ी सी जो कहते हैं ना वो अच्छी अच्छी रेज आप तक भी आती है, और आप भी उनसे बहुत कुछ मैं यहाँ से सीख कर जाती हूँ। तो आज मेरे साथ बाकमाल लोग में एक नहीं दो मेहमान है, मैं आपको मिलवाऊंगी, तो उसके लिए चलते हैं अपने सेगमेंट बाकमाल लोग की तरफ। जी जनाब, आज मेरे साथ मौजूद हैं बाकमाल लोग में अहमद अली सिद्दीकी साहब, डायरेक्टर सेंटर फॉर एक्सलेंस इन इस्लामिक फाइनेंस IBA कराची। भाई आप मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, इस्लामिक फाइनेंस में आपने स्पेशलाइज किया, गोल्ड मेडलिस्ट आप हैं, 21 ईयर्स का इस्लामिक बैंकिंग में आपका एक्सपीरियंस है, और सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट इस्लामिक शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड मीज़ान बैंक भी आप है। कोई ऐसी चीज़ है जो मुझसे छूट गई हो या मज़ीद आपने अपने करियर में एड ऑन करनी हो? नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ साथ मेरा करियर इस्लामिक फाइनेंस से शुरू हुआ, IBA से मैंने अपना जब ग्रेजुएशन किया, MBA किया, और उस वक्त ये इमर्जिंग फील्ड थी, अल्लाह ताला ने की तौफीक से मैं इसी में आया, और अल्लाह का शुक्र है कि आज इसी के अंदर ग्रोथ हुई, इसमें वालदैन की दुआएं हैं, यानी मेरे टीचर्स हैं उनकी समझ लें एफर्ट्स है, और अल्लाह ताला की मेहरबानी सबसे। सो जब मैं आपका इंट्रोडक्शन पढ़ रही थी, तो उसमें 21 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस लिखा था जी। तो आप तो माशाल्लाह काफ़ी यंग हैं, तो आपने क्या काम बहुत ही जल्दी उम्र में स्टार्ट कर दिया, या साथ साथ काम भी कर रहे थे, पढ़ भी रहे थे?
नहीं, IBA से मैंने जब अपना MBA किया उसके फौरन से बाद नेक्स्ट मंथ से मैंने मीज़ान बैंक, उस वक्त अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट बैंक था, एक नई फील्ड थी इस्लामिक फाइनेंस जो इमर्ज हो रही थी. अच्छा, सो आई स्टार्टेड देयर और आज 21-22 साल तकरीबन. तो स्पेसिफिकली इस्लामिक फाइनेंस में आपका इंटरेस्ट था? जी, इस्लामिक बैंकिंग में था और मज़ीद फिर आपने स्पेशलाइज भी किया है. सो हमारे यहाँ बैंकिंग का निज़ाम दो तरीके के सिस्टम है. सो जैसे जो लोग नाज़रीन जो देख रहे हैं उनको ज़्यादा इल्म नहीं है, ये कह लें कि हम पता करने की कोशिश नहीं करते, हमें समझ नहीं आता कि क्या डिफरेंस है. तो जो नॉर्मल बैंकिंग है और इस्लामिक बैंकिंग है, उन दोनों में क्या मेजर फ़र्क होता है? देखें, जो नॉर्मल हमारे यहाँ जो कन्वेंशनल बैंकिंग राइज है, इसका सबसे बड़ा जो ये इसका जो सिस्टम है वो इंटरेस्ट के ऊपर है, सूद के ऊपर है ये. और हमें पता है कि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक तआला ने सूद को मना किया है, और इसी वजह से मैंने ये कहते हैं कि हमें जब पढ़ रहे थे तो उसके साथ साथ ऐसे टीचर्स मिले, ऐसा इन्वायरमेंट मिला कि रियलाइजेशन हो गई कि इंटरेस्ट पे काम तो किया नहीं जा सकता. तो इसका मुतबादल क्या है, और जब देखा तो दुनिया भर में इस्लामिक फाइनेंस के ऊपर काम हो रहा है, और 120 ममालिक हैं जहाँ पर इस्लामिक फाइनेंस के ऊपर काम हो रहा है. और यहीं से हमें ये एहसास हुआ कि पाकिस्तान में हम क्यों पीछे रहेगा, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है. अगर आप किसी से पूछें ना आज के, भाई तुम सूद पर काम करना चाहोगे, तो फ़ौरन से लोग कहेंगे नहीं, क्योंकि लोग उसको बुरा समझते हैं. और इसी वजह से हमारे यहाँ पाकिस्तान में बैंकिंग की जो पेनिट्रेशन है वो भी इस वजह से दुनिया में सबसे लोएस्ट साइड पे है, क्योंकि हम इस्लामिक जो प्रिंसिपल्स के ऊपर अपने लोगों को वो बैंकिंग सर्विसेज ऑफर नहीं कर रहे थे. सो इस्लामिक फाइनेंसिंग से, इस्लामिक फाइनेंस प्रॉपर सूद के बगैर काम करने में इकॉनमी, डू यू थिंक इकॉनमी के लिए बेहतर है, ये इकॉनमी यू नो एक्सेल कर सकती है? देखिए, इसमें बेसिक प्रिंसिपल क्या, इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम कहता है तिजारत करो, ट्रेड करो. अच्छा, ट्रेड ही असल इकोनॉमी को प्रमोट करती है. अगर आप खाली स्पेकुलेशन करेंगे, लेंडिंग कर रहे हैं जिसमें ये नहीं देख रहे कि तिजारत में पैसा लग रहा है नहीं लग रहा, बल्कि उसमें बहुत सारी आर्टिफिशियल ट्रांजेक्शन भी होती हैं और इंटरेस्ट की होने की वजह से एक बुराई भी आती है, तो इस्लाम ये कहता है कि अल्लाह ताला कहते हैं कुरान में कि अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल करार दिया और सूद को हराम करार दिया. तो इस्लामिक फाइनेंस एक ट्रेडिंग के जो निज़ाम है उसको इस्लामिक प्रिंसिपल्स और एथिकल प्रिंसिपल्स के साथ प्रमोट करता है. सो बिकॉज आप एक ऐसे लेवल पर जहाँ यकीनन आपने बाहर मुल्क में भी सफ़र किया होगा, उनकी आपको मौका मिला होगा उनका बैंकिंग सिस्टम को भी करीब से देखने का, तो यहाँ का बैंकिंग सिस्टम हमारे मुल्क का और बाहर का अगर हम बैंकिंग सिस्टम देखें और कंपेयर करें, तो हमें क्या एडवांसमेंट करने की ज़रूरत है? हमारे यहाँ असल में टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है उसकी बहुत ज़्यादा आई थिंक रूम है इम्प्रूवमेंट का. दूसरा, हमें जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, यानी जो कस्टमर है सार्फ के हुकूक जो हैं उसकी प्रोटेक्शन पे काम करना चाहिए. देखिए, हमारे यहाँ हुआ ये कि बदकिस्मती से कन्वेंशनल बैंकिंग निज़ाम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप कस्टमर के राइट्स को गस्प कर सकते हैं, यानी आप उसको एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं. बिल्कुल ऐसा ही है. इस्लामिक फाइनेंस के अंदर क्योंकि एथिकल एक बहुत सख्त पाबंदी है, तो आप कस्टमर के राइट्स का भी ख्याल रखना है आपको, और ये चीज़ हमें पाकिस्तान में मज़ीद डेवलप करनी है. मैं छोटी सी मिसाल दूंगा, और आपने बात की कि पाकिस्तान से बाहर, तो मैं बैंक ऑफ इंग्लैंड गया जो कि इस वक्त इंटरनेट, यानी अगर आप देखें तो लंदन में कन्वेंशनल बैंकिंग का एक सबसे बड़ा मरकज़ है, वहाँ पे इस्लामिक फाइनेंस डिपार्टमेंट मौजूद था, और उन्होंने कहा कि हम भी अपने, यानी अपने मुल्क में UK में इस्लामिक फाइनेंस प्रमोट करना चाह रहे हैं. अच्छा, एक्सेलेंट. अभी कुछ दिन पहले हमारे साथ क्योंकि उलमा कराम भी मौजूद होते, तो मैं भी उनसे होम फाइनेंसिंग के हवाले से बात करी थी, और मैं उनसे ये कह रही थी कि मेरे सवाल आते हैं क्योंकि यू नो वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सारे सवाल के जवाब दे रहे होते, तो मैं ये कह रही थी कि भाई अगर कोई बाहर मुल्क शिफ्ट हो रहा है और वहाँ तो सारा सिस्टम ही उनका डेट पे चलता है और क्रेडिट इज़ वन ऑफ द मेन थिंग्स, तो वहाँ कैसे हम घर लेंगे, किस तरह हम डाउन पेमेंट करेंगे? तो उन्होंने कहा हाँ, तो वहाँ भी इस्लामिक बैंकिंग है. तो उन्होंने मुझे कुछ इदारों के नाम बताए. तो बेसिकली जब आप कुछ चीज़ करना चाहते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, ढूंढते हैं, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल आपकी इस पर मिसाल देता हूँ. मैं ऑस्ट्रेलिया गया जी, तो वहाँ पे एक इदारा है MCA जो कि ऑस्ट्रेलिया में मुसलमानों को इस्लामिक होम फाइनेंसिंग ऑफर करता है. एक्सेलेंट. मैंने उनके लिए एक ट्रेनिंग कंडक्ट की, और फिर वो ऑस्ट्रेलिया में कुछ लोग हमसे मीज़ान बैंक से एडवाइजरी भी ले रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पे इस्लामिक फाइनेंस को मज़ीद फैलाया जाए. क्योंकि देखें, इस्लामिक फाइनेंस के हाउसिंग फाइनेंस की बात अगर हम करें ना, तो मीज़ान बैंक या कोई भी इस्लामिक बैंक वो घर परचेज कर लेता है, आपके लिए परचेज करता है, घर का ओनर बैंक बन गया, फिर घर को रेंट आउट कर देता है, और आहिस्ता आहिस्ता रेंट के साथ साथ वो आपकी ओनरशिप भी आपको बेचता रहता है. तो इस तरह से आप रेंट पे करते हैं और फिर ओनरशिप हासिल करते हैं. तो ये इस्लाम में
घर खरीदना एक जायज जरूरत है, तो इस्लाम में इसका जायज हल मौजूद है। प्रॉफिट बैंक भले ले, लेकिन जहाँ इंटरेस्ट की बात आती है, मतलब वो एक ऑलरेडी अमाउंट तय हो गया, लॉक हो गया, और इस नियत से लॉक हुआ कि ये प्रॉफिट है और खत्म। असल में उस नियत के अलावा प्रोसेस भी देखेंगे। इंटरेस्ट क्या होता है, अगर मैं आपको $100,000 देता हूँ और उससे आपसे कहता हूँ $100,000 पे 10,000 मैं लोन देता हूँ और 10,000 रुपये मुझे आप इंटरेस्ट दें, उसके ऊपर दें, पैसे के ऊपर पैसा दें, लोन कॉन्ट्रैक्ट में ये इंटरेस्ट है। लेकिन अगर मैं $100,000 का एक अपार्टमेंट खरीदता हूँ या $10,000 का एक अपार्टमेंट खरीदता हूँ और उसको रेंट पे देता हूँ, ओनरशिप रिस्क बैंक के ऊपर है। अब किराया तो जायज़ है इस्लाम में, तो इसलिए इस्लाम ना तरीक़ेकार को भी बहुत फोकस करता है कि हम किस तरीके से काम को अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल सही। सो इस वक्त बहुत सारे लोग ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर दुनिया भर में ट्रांसमिशन देखी जा रही है। और जो हमारी यूथ है, यू नो लाइक जब मैं छोटी थी मुझे नहीं पता था मुझे क्या बनना है, सही है, एंड आहिस्ता आहिस्ता मैंने कहा अच्छा मैं टीचर बन जाती हूँ, अच्छा मैं बैंक में चली जाती हूँ। सो अब जो यूथ है वो पहले से रिसर्च करने लगी है, तो पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन इस्लामिक फाइनेंस उनको कुछ कहना चाहेंगे, दैट इज़ योर कैमरा, आप बात कर सकते हैं। सही, देखें मैं बल्कि जो लोग बैंकिंग के अंदर, जो लोग बिजनेस के अंदर, जो लोग फाइनेंस के अंदर इंटरेस्टेड हैं, मैं उन सब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आज अगर वो MBA कर रहे हैं, अकाउंटिंग की डिग्री ले रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं, अगर आपके पास इस्लामिक फाइनेंस की नॉलेज नहीं है तो आपकी डिग्री भी अधूरी है और आपकी नॉलेज सेट भी अधूरा है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अभी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जो टीम है, 5 साल के अंदर हमने कन्वेंशनल बैंकिंग को ख़त्म कर देना है पाकिस्तान से, ये टारगेट है और सुप्रीम कोर्ट का, फेडरल सर्किट कोर्ट का डिसीजन भी यही है। तो अगर आपके पास इस्लामिक फाइनेंस का स्किल सेट नहीं होगा तो आप मार्केट में आउटडेटेड स्किल सेट के साथ होंगे। दूसरी बात, अगर आप बिज़नेस भी कर रहे हैं तो इस वक्त इस्लामिक फाइनेंस को सीखें, इसमें ग्रोथ भी है और आप अपने बिज़नेस को एथिकल प्रिंसिपल्स पे, ज़्यादा सस्टेनेबल प्रिंसिपल्स पे इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और ये आपके लिए इसमें कहते हैं अल्लाह ताला की तरफ से बरकत भी होगी। तो मैं ज़रूर हर उस बिज़नेस ग्रेजुएट को जो फाइनेंस, बिज़नेस, अकाउंटिंग में आना चाहता है, ये ज़रूर कहूँगा कि इस्लामिक फाइनेंस के प्रिंसिपल्स को सीखें, ये आपके लिए पर्सनली भी फायदेमंद है और आपके लिए और ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत शुक्रिया। और अब मुझे एक और मेहमान ने ज्वाइन इन किया और इत्तेफाक की बात यह कि ये भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आज जो मैं गोल्ड मेडलिस्ट के दरमियान बैठी हूँ बहुत ही कमतर फील कर रही हूँ, बट इट्स लवली टू बी अराउंड सच पीपल। जी मेरे साथ मौजूद हैं, ये लॉयर हैं, ये इस्लामिक इकोनॉमिस्ट हैं, ये स्पीकर हैं, लंदन बेस्ड बैरिस्टर हैं, UK बोर्ड की मेंबर हैं, सी स्वीट एडवाइज़र और इंटरनेशनल स्पीकर भी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, CA वुमेन ऑफ द ईयर 2022 भी हैं। आपने दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कानून और इस्लामिक फाइनेंस के मुतालिक तहकीकी जर्नल्स भी लिखी हैं। जी मैं आपको आज मिलवाने जा रही हूँ द वुमेन ऑफ स्ट्रेंथ से, मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ हुमा सोदर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी सारी अचीवमेंट्स हुमा, माशाल्लाह, वर यू ऑलवेज सो फोकस्ड? आई हैव टू से दैट कि जितनी भी अचीवमेंट्स आपने, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, कम है नहीं, नहीं, थैंक यू फॉर सच अ ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन, आई हैव टू से दैट, आई एम थैंक यू फॉर दैट। लेकिन ये सब की सब अल्लाह ताला की मेहरबानियाँ हैं और नियमतें हैं, और अब कोशिश यह है कि इन नियमतों को संभाल के कोशिश की जाए कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा हम ऐसा इस्तेमाल करें जिससे हम दीन और दुनिया दोनों में सुरखरू हों। एक्सेलेंट। तो हुमा मुझे बताएं कि आप इंग्लैंड में भी वकालत किया करती हैं जी, अब आप पाकिस्तान में, तो आपका सिलसिला क्या, आना जाना हियर एंड देयर? सो एक्चुअली आई हैव नाउ प्रेजेंस इन बोथ प्लेसेस। वहाँ पर लंदन में एज अ बैरिस्टर मैंने क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल क्राइम्स से रिलेटेड जो लिटिगेशन होती है उस पर ज़्यादा फोकस किया था। यहाँ पर भी कमर्शियल लिटिगेशन, टैक्सेशन, इस तरह के जो एरियाज़ हैं, दीज आर माई फोर्टे, बिकॉज एज आई, जैसे आपने कहा भी कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ, तो ये बेसिकली मेरे जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट को कॉम्प्लीमेंट भी करती हैं। और एंड आई वॉज नेवर अ पर्सन जो कि अपने आप को एक खाने में कैद कर लेता है, क्योंकि हमारे ख़ासतौर पर अभी आप अहमद से बात हो रही थी और आप एक इतना अच्छा मैसेज ले रही थी कि जब यंग जनरेशन की बात होती है या करियर चॉइसेस की बात होती है तो वी ऑलवेज फील के जी अब आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए तो यू कैन नॉट लुक बियॉन्ड दैट, या आप एक फॉर इंस्टेंस बैंकर हैं तो आप उससे आगे नहीं देख सकते, लॉयर हैं तो यू हैव टू बी देयर। सो देयर इज, आई मीन आपने अपने लिए दुनिया खोल दी, आप रिस्ट्रिक्ट नहीं हुई जी,
That is excellent. Because अगर आप ये जब आपको अल्लाह पाक ने जो सलाहियतें दी हैं, जब अल्लाह पाक ने आपको किसी चीज़ में रेस्ट्रिक्ट नहीं किया तो आप अपने आप को कैसे रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं. एंड आई वुड से कि जितना इल्म तो एक ऐसी चीज़ है वो आप जितना हासिल करें और आप जिस फील्ड पे भी फिर आप फोकस करेंगे. तो फॉर इंस्टेंस अगर मैं लिटिगेशन का काम करती हूँ, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो मेरा एक्सपीरियंस है, दैट इज़ ऑलवेज आई थिंक इट ऑलवेज गिव्स मी एन एज. क्योंकि मैं जिस तरह से फाइनेंस की बारीकियों को समझ सकती हूँ या टैक्सेशन की बारीकियों को जो मैंने कंपनीज में ऑडिट करते हुए देखा है, उसको जब मैं अपने लिटिगेशन में या अपने एडवाइजरी वर्क में जब उसको कंक्लूड कर रही होती हूँ. जी बिल्कुल, दैट इज सो गुड. सो मुझे बताएं कि आपने इतनी रिसर्च की इस्लामिक फाइनेंस पर, बेशुमार अवार्ड्स हैं आपके पास, फेलोशिप, स्कॉलरशिप्स वगैरह, फिर लॉ में पीएचडी, तो बेसिकली अपनी जो शिनाख्त है आप क्या एज क्या कहलाना चाहती है, या फिर वही वाली बात है, मैं रिस्ट्रिक्ट अपने आप को नहीं करना चाहती, या विच इज़ वन फील्ड दैट यू लाइक बीइंग मोर इन, या फिर महीने आते हैं, आज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, कल मैं लॉयर. आई वुड बेसिकली एज आई सेड कि आई हैव नेवर रेस्ट्रिक्टेड माई सेल्फ, और मैं अपने आगे वाले जो आने वाले लोग हैं उनको भी कभी भी नहीं चाहूँगी. बल्कि अब तो आप देखिए होम स्कूलिंग का दौर है, अब आप ये देखिए कि जो डिफरेंट, अब ये जो एक टिपिकल ब्रिक एंड मॉर्टर वाला मॉडल था कि आप बिल्कुल अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करें, ये इस चीज़ों से आप बहुत आगे निकल चुके हैं. जो बच्चों को हम होम स्कूलिंग के थ्रू लेके आ रहे हैं, तो उनकी नॉलेज के लिए जो आप थ्रू आप इंटरनेट या थ्रू आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू आप जो एक्सेस करके उनको जो आप अब चीज़ें दे रहे हैं, तो समटाइम्स तो आई एम, ऑल्दो आप देखते हैं कि मेरे पास इतनी सारी क्वालिफिकेशन, आई एम नॉट एडवोकेटिंग यू शुड नॉट गो फॉर अ सर्टिफिकेशन और फॉर अ डिग्री, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको एक सक्सेस के लिए एक डिग्री ही चाहिए. सो आप आने वाले दौर की प्रॉब्लम ये है, पर्टिकुलरली जब मैं पाकिस्तान में देखती हूँ कि हम एज अ सोसाइटी, एज अ नेशन, मैक्रो लेवल या माइक्रो लेवल दोनों पे देखें तो हम फ्यूचरिस्टिक नहीं हैं. हम अपने ही रिसोर्सेज, वेदर वो इंटेलेक्चुअल हों या हमारी अपने जो अल्लाह ताला ने हमें वसाइल दिए हैं, उनकी सस्टेनेबिलिटी और फ्यूचर के मुतालिक नहीं सोचते, और उसी वजह से हमारे निज़ाम में बैलेंस नहीं है. और जब निज़ाम में बैलेंस नहीं होता तो फिर मैक्रो लेवल पे आप देखिए ट्रिकल डाउन नहीं हो रहे वो बेनिफिट्स अवाम में, और माइक्रो लेवल पर हम इंडिविजुअलिस्ट अगर हम देखें स्टूडेंट्स में या अपनी फ्यूचर जनरेशन में, क्या हम कौम साजी का जज्बा जो एक होता है, कौम बना रहे हैं, क्या हम एक कौम है? बिल्कुल, हम एक इंडिविजुअलिस्ट है कि ये मेरी अचीवमेंट है और ये मैं बस हूं. मैं और मैं, ये इसी तरह चल रहा है. सो मुझे बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान में आपका खुद का अपना लॉ फर्म है, तो उस फर्म के बारे में बताएं, कब कायम किया? आई हैव जस्ट एज आई सेड कि आई हैव जस्ट रिसेंटली पार्शली रिलोकेटेड हियर, तो मैंने अभी यहाँ पर एक सेटअप किया है, एंड वही मेरी जो स्पेशल एरियाज़ हैं मेनली मैं उसी में फोकस करती हूँ, विच इज़ कमर्शियल टैक्सेशन एंड फाइनेंस रिलेटेड. लेकिन अदर देन दैट जो एरियाज़ हैं उनसे रिलेटेड भी, क्योंकि वंस यू आर अ लॉयर सो यू आर एक्चुअली ओपन टू ऑल काइंड ऑफ लिटिगेशन, एडवाइजरी, इवन पॉलिसी मेकिंग और रिफॉर्म. आई थिंक ये एक ऐसे एरियाज़ हैं कि जिसमें मैं, जो आपने पीएचडी का कहा था कि मैंने क्यों किया, तो इट वाज नॉट टू हैव अ डिग्री, बल्कि क्योंकि जो मैंने एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट काम किया था कुछ अर्से के लिए, एज अ जुडिशियल ऑफिसर, एज अ जज भी काम किया था, तो मुझे जो सिस्टम्स में जो चीज़ें नज़र आई कि जो मैं एज एन अकाउंटेंट भी समझ सकती हूँ और एज अ लॉयर भी समझ सकती हूँ, तो हम कैसे बेहतरी ला सकते हैं. So that was my contribution to my research. That is so good. That is excellent. कि आप कहीं कहीं किसी चीज़ में flaw देखें, आपको लगा कि कहीं यार मुझे यहाँ कुछ अपने experience से जितना मैं जानती हूँ समझती हूँ मुझे add on करना चाहिए society के लिए जो चीज़ beneficial है. ऐसा सब लोग नहीं सोचते हम, ऐसे बहुत वही जो individualistic approach है वो सब रखते हैं. जाहिर सी बात है सब selfish होते हैं, सब चाहते हैं मैं कमा लूँ, मैं पढ़ लूँ, मैं कमा लूँ, मैं चला जाऊँ, मैं बस अपने घर के लिए कर लूँ, कोई सोसाइटी के लिए नहीं सोचता. बिल्कुल, लेकिन आई वोंट अग्री विद दैट. इवन इट्स नॉट दैट बिकॉज आई एम सिटिंग हियर विद यू इन योर शो. आप इवन आर्टिस्ट, बहुत सारे आर्टिस्ट आप अपने जो कुछ प्रोग्राम्स के थ्रू, कुछ अपने कैरेक्टर्स के थ्रू जो आप अपने चूज करते हैं, समटाइम्स आपकी नज़र में वो कमर्शियल एस्पेक्ट्स नहीं होते बल्कि कुछ और भी होता है जिस जो आप मैसेज कन्वे करना चाह रहे हो सोसाइटी को. सो आई जस्ट फील लाइक हुमा कि लाइफ इज सो बिजी एंड टफ, एंड उसके अंदर अगर आप इस तरह का वक्त निकाले टू कंट्रीब्यूट समथिंग, एंड यू आर राइट, एक्टर्स डू, हर कोई अपने
अपने हिसाब में रहते हुए जो जो थोड़ा थोड़ा कर सकता है करता है, बट इट इज़ अमेजिंग बिकॉज इसके लिए एक दिन की बात नहीं है ये चीज़ करना, इसमें बड़ा वक्त लगता है, वक्त इज़ इम्पॉर्टेंट। आजकल क्या कहते हैं ना कि वक्त ही किसी को दे दो, थोड़ा पैसे नहीं दे सकते, कुछ नहीं दे सकते, थोड़ा सा वक्त दे दो, और वक्त ही नहीं है हमारे पास, और मेरे पास भी इतना वक्त नहीं है कि मुझे ब्रेक पे जाना है। तो तमाम जो लोग देख रहे हैं, जो यूथ आपको देख रहे हैं, दे लुक अप टू यू, प्लीज़ गिव देम अ मैसेज, दैट्स योर कैमरा। सो आई वुड से कि पर्टिकुलरली अपनी जो यंग जनरेशन है उनको मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि आप लोग अपने आप को किसी भी दायरों में एक तो कैद ना करें, और आप हमारे पास तो अल्लामा इकबाल हैं जिनको इवन टर्की में भी लोग अप्रिशिएट करते हैं, और आप रूमी के अगर मज़ार पे जाइए तो आपको वहाँ पे उनकी आज़ादी कब्र मिलेगी अल्लामा इकबाल की। अनफॉर्चुनेटली हमने अपने ही लोगों को, अपने ही असासों को अप्रिशिएट नहीं किया, एक बात ये। और दूसरी जो चीज़ मैं ये कहूँगी कि कोई भी चीज़ नामुमकिन आप ये ना समझें कि, और डिसअपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए लाइफ में। अभी जो आजकल यंगस्टर्स हैं वो इतने ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, यस अगर हम देखें कि मुल्क की जी मुल्क के जो हालात हैं वो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट है उसमें, लेकिन आपको हमेशा आगे बढ़ते जाना। दैट्स राइट, अगर हम नहीं बढ़ेंगे तो कौन बढ़ेगा। इसके साथ यहाँ वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम वापस हाजिर होंगे, देखते रहिए नूर रहमान इश्क रमजान। नूर रहमान इश्क रमज़ान में खुश आमदीद नाज़रीन। मैं तो बहुत देर से कुछ ना कुछ कह रही हूँ, लेकिन यहाँ मौजूद मेरे साथ कैमरा के पीछे जो बच्चे हैं उनको रियली कुछ कहना है, तो बढ़ते अपने सेगमेंट मुझे कुछ कहना है की तरफ। आज जनाब होगा क्या वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले बड़ा इम्पॉर्टेंट एक अनाउंसमेंट जो मुझे करना है कोलगेट मिसवाक की तरफ से आपको बताना चाहती हूँ कि आप सब उमरा, सब के सब उमरा की सआदत हासिल कर सकते हैं। आपने सिर्फ जाना है, कोलगेट मिसवाक ख़रीदना है, और आपने मिस्ड कॉल देनी है 03202654283 पर आपको कॉल बैक आएगी। जब आपको कॉल बैक आए तो इसके अंदर कोड एक होगा, उसको आपने 7 हिंसों वाला कोड दर्ज करना, कुरानदाजी में आप शामिल हो जाएंगे। याद रखिएगा ये तमाम जो काम है वो आपको 25 अप्रैल से पहले करना पड़ेगा, ताकि आप में से कोई एक या बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको उमरा की सआदत मिल सकती है। तो इस नेक काम में देर क्या, आपने सिर्फ जाके शॉपिंग करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा दफ़ा कोड दर्ज करना है, मुख्तलिफ जो कोड्स हैं उनको, ये नहीं एक ही कोड दर्ज कर रहे हैं। मैंने एक दफ़ा मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैंने कहा ऐसा ना हो कि एक ही कोड दर्ज किए चले जा रहे हैं, अलग अलग टूथपेस्ट खरीद के अलग अलग कोड दर्ज करने हैं बार बार मिस कॉल मारने के बाद। गॉट इट। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं मुझे कुछ कहना है की तरफ। होगा कुछ यूँ के मेरे साथ यहाँ आज तो बहुत ही क्यूट और छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने ख्यालात इजहार करते हैं, हमारे साथ मौजूद हमारे जजेस उनको जज करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सरवत अस्करी, मुफ्ती नूर रहमानी साहब, साकिब नूर साहब HOD है अलीगढ़ इंस्टीट्यूट के, और मैं बुलाने जा रही हूँ, क्या हुआ छोटू पीछे SSSR नर्वस हो रही हो क्या? नहीं, हाँ कि नहीं? ओके जी, सबसे पहले मैं बुलाऊंगी माहिरा को। माहिरा कौन है? अरे नहीं बुलाऊं तो मैं पहले सेकंड नंबर पे जाओगी? ठीक है जी, तो मैं बुलाती हूँ महरोज, ये नाम है महरोज, आ जाए। अच्छा आज आपा बच्चों का अलग अलग टॉपिक है, ठीक है। जो महरोज का टॉपिक है वो है हमने हर दौर के हाथों को हिना बख्शी है। आप रेडी हो? आप कितने साल की हो? 15 छोटी सी। ओके जी, आपका वक्त शुरू होता है अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने हर दौर के हाथों को हिना बख्शी है। अगर माजी के जरकों की बात करूँ तो सफ़ाए देर से बातिल को मिटाया हमने, नूए इंसानी को ग़ुलामी से छुड़ाया हमने, कभी हमने सलाउद्दीन अयूबी बनकर फ़लस्तीन आज़ाद करवाया, तो कभी तारिक बिन ज़ियाद बनकर स्पेन फतह किया, तो कभी मोहम्मद बिन कासिम बनकर सिंध पर इस्लाम का परचम लहराया। दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बेरे जुल्मात पे दौड़ा दिए घोड़े हमने। जनाब सदर अली वकार, हिंदुस्तान जब गुलामी की तारीकियों में डूबा हुआ था और फ्रंगियों के खिलाफ उठने वाले हाथों को काट दिया जाता था, वो हम ही थे जिन्होंने 1857 में शोले आज़ादी को हिना बख्शी, फांसी के फंदों को अपने हाथों से चूमा, फ्रंगियों की गोलियां ख़त्म हो गई मगर हमारे सीने ना ख़त्म हुए। तो जनाब सदर, फिर मैं क्यों ना कहूँ
कि हमने हर दौर के हाथों को हिना बख्शी है। तारीख शायद है कि हमने हर दौर में फतह और कामरानी समेटी है, फिर चाहे वो जंगो जदल के मैदान हो या फिर इल्मो अदब के गहवारे, हमने हर दौर के हाथों को हिना बख्शी है। जनाब सदर अली वकार, हम वो लोग हैं जिनके इसलाफ ने ओजे सुरैया को छुआ है। हमने कुरान को हाथ में थाम कर और नारे तकबीर बुलंद करके दुश्मन के सफ़ों को खंगालते हुए फतह का नारा बुलंद किया, और हम ही वो जिन्होंने हर दौर के हाथों को हिना बख्शी है। जनाब सदर अली वकार, हम वो हैं जिन्होंने मैदान में कभी पीठ दिखाई और ना कभी पीछे हटे। हमारी तारीख है कि हम जब भी मैदान में निकले अपनी कश्तियाँ जला कर निकले, फिर चाहे वो 1965 की जंग हो या फिर सियाचिन और कारगिल का मार्का, हमने हर दौर के हाथों को हिना बख्शी है। जनाब सदर अली वकार, जब हमने खेल के मैदान का रुख किया तो क्रिकेट का वर्ल्ड कप अपने नाम किया और मार्शल आर्ट में राशिद नसीम बनकर 87 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर मुनफरिद मकाम हासिल किया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत बहुत शुक्रिया कर दिया। ओके जी, अब मैं बुलाऊंगी माहिरा को और इनका टॉपिक है मेरा चिराग बुझा मेरे हाथ से, मेरा चिराग बुझा मेरे हाथ से अफसोस। हाउ ओल्ड आर यू? I am 11 years old. 11 years old. ठीक है जी, माइक अपने हिसाब से कर लो, मेरे ख्याल से थोड़ा और नीचे होगा। ओके रेडी, आपका वक्त शुरू होता है अब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर अली वकार, आज का जो मेरा जो टॉपिक है वो ये है, मेरा चिराग बुझा मेरे हाथ से अफसोस। जनाब सदर अली वकार, मैं हूँ वो इंसान जिसने अल्लाह को एक माना मगर उसकी एक ना मानी। मैं हूँ वो इंसान जिसने कुरान पढ़ा मगर इसको समझा नहीं। मैं हूँ वो इंसान जिसने इंसानियत का दर्स दिया मगर इंसान होने का हक अदा ना किया। मैं हूँ वो इंसान जिसने इबादत गए तो बनाई मगर दिलों की इबादत से महरूम रहा। मैं हूँ वो इंसान जिसे ईमान का खजाना अता किया गया मगर हक तो ना पा सका। मेरा चिराग बुझा मेरे हाथ से अफसोस। जनाब सदर अली वकार, मैं रब ने मुझे मुसलमान पैदा किया मगर मैं आज तक मुसलमान बन ना सका। मैं रब ने मुझे उम्मती बनाया मगर मैं अपने नबी के रास्ते पर चल ना सका। मेरे रब ने मुझे इस्लाम जैसा खूबसूरत मजहब दिया मगर मैं दूसरे फ़िरकों में बट गया। मेरे रब ने मुझे एक कुरान दिया मगर मैं दूसरी किताबों में खो गया। मेरे रब ने मुझे रमज़ान दिया मगर मैंने इसको फाकों का महीना बना दिया। मेरा चिराग बुझा मेरे हाथ से अफसोस। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और अब मैं दावत दूंगी हसन को, और हसन का टॉपिक है तुम सब कुछ हो बताओ मुसलमान भी हो। तुम सब कुछ हो बताओ मुसलमान भी हो। अच्छा, आज जजेस के लिए बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि अलग अलग टॉपिक्स हैं, पता नहीं किस तरह जज करेंगे। अब गुड लक टू यू ऑल। जी हसन, हाउ ओल्ड आर यू? आप कितने साल के हो? 15। माइक अपने हिसाब से सेट कर लो, ठीक है? रेडी, आपका वक्त शुरू होता है अब। उठें, जागें और बताएं, मगरिब की गोद में सर रख कर सो रहे मुसलमान। उठें, जागें और बताएं, मुल्क के सीने पर मगरबियत के सूदी निज़ाम के झंडे गाड़ कर रब के ख़िलाफ़ ऐलान जंग करने वाले। उठें, जागें और बताएं, अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम को तर्क करके कौमों फ़िरक़ों जमातों और गिरोह में बट कर खालिक़े कायनात के मद्दे मुकाबिल आने वाले। उठें, जागें और बताएं, शहरे लाहौर में किसी बहन बेटी की इज्जत को सरे आम पामाल करने वाले। उठें, जागें और बताएं,
मजलूमों की आहोबुका को नज़रअंदाज करके स्याह दिन का त्यौहार मनाने वाले उठें, जागें और बताएं, बताओ कि तुम सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो। ज़माने के तारीख गोशों पर नज़र दौड़ाइए सदरे आली वक़ार, तकदीर उमम लिखने वालों ने तो शहर की गुज़रगाहों को जिस्म फरोशी और शराब नोशी के अड्डों से मुज़य्यन करके सरे आम जनाजा उठाया है। हक की तर्जुमान बेकसों और मजलूमों का सहारा बनकर जज़ीरा अरब पार से आई उस चिंगारी और उससे नमू पाने वाली रवायात का के मातम कीजिए जनाबे वाला के भाई भाई के लहू से चौराहे सुर्ख करता है और लिसानियत के तासुब पाले जंग पे जंग कायम करके अल-कुदस के मसीहा के गूंजते नारों को दबा देते हैं और सब अकायद सब शहर सब का सब रोन डालने के बाद भी तुम यही कहते हो कि तुम मुसलमान हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अहद में हर नस्ल से गद्दारी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वक्त होता है ख़त्म, थैंक यू सो मच। क्योंकि वक्त कम होता है तो हमें मैनेज करना पड़ता है। मेरे साथ यहाँ जजेस मौजूद हैं जो इतने खुश मुझे लग नहीं रहे। मुफ्ती नूर रहमानी साहब के साथ शुरू करेंगे जी, तीनों टॉपिक्स अलग, तीन कंटेस्टेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना बहन, हमेशा हमारे यहाँ जैसे कल हमारा मुकाबला हो गया था, किसको फर्स्ट कहें सेकेंड कहें, लेकिन आज इन तीनों बच्चे ने वो मुकाबला बराबर कर दिया। कल जितना ही अच्छा था आज उतना ही बुरा है। अच्छा, तीनों कमज़ोर दलाइल के साथ, अंदाज़े बयां कमज़ोर और तलफ़ुज़ में बहुत बहुत ज़्यादा कमी है। मेरे नज़दीक ये तीनों के फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है, कोई एक तो होगा जिसने बेहतर परफॉर्म किया होगा। मुफ्ती साहब, मैं नहीं समझता। ओके जी, साकिब नूर साहब। पहले तो तीनों बच्चों को बहुत मेहनत की ज़रूरत है। अगर तकरीर में तलफ़ुज़ सही ना हो तो सुनने वाले को मज़ा नहीं आता, तो आप सबको बहुत मेहनत की ज़रूरत है। वही बात में नूरुल रहमानी साहब ने जो कहा, आज फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं हो सकेगा क्योंकि बहुत कमज़ोर दलाइल, तलफ़ुज़ भी सही नहीं था। ठीक है जी, आपा। तलफ़ुज़ के मसाइल बहुत ज़्यादा थे। मैं मानती हूँ कि मादरी ज़बान ना होने की वजह से शायद आप लोगों को मुश्किलात दरपेश हों, लेकिन जब हम किसी स्टेज के ऊपर आते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर ये नहीं चलता है कि हमारी मादरी ज़बान थी या नहीं थी। हमको अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट देना होता है, तो मेरे ख़्याल में ठीक है। इनमें से कोई एक तो होगा जो आपको लगता है थोड़ा बेहतर परफॉर्म किया, कोई एक नाम असल तो में तलफ़ुज़ की बहुत मिस्टेक्स थी। अगर तलफ़ुज़ सही ना होना तो तकरीर सही नहीं। मैं बता रहा हूँ, देखिए महरोज़ का अंदाज़े बयां बहुत कमज़ोर था, माहिरा बच्ची के तलफ़ुज़ बिल्कुल सही नहीं थे, और ये चौथा हसन भाई का भी वो मज़मून उस तरह नहीं था जो कंटेंट किसी का बेहतर लगा इन तीनों में से। दलाइल भी बहुत कमजोर थे, बहुत कमजोर दलाइल थे आज। तो मैं ये जो गिफ्ट हैम्पर है क्या करूँ, अपने साथ घर ले जाऊँ, अपने आप को दूँ कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ, ये अपने फोटोग्राफर को दूँ, मुझे किसी एक को तो देना है कोलगेट मिसवाक की तरफ से। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि आप लोग मुतमईन नहीं है, तो जो वाइल्ड वेंचर का जो वाटर पार्क का वो है 50,000 रुपए का नाम, वो हम नहीं देंगे। ठीक है, हम सिर्फ कोलगेट मिसवाक देंगे, तो मेरे ख्याल से बच्ची को देते हैं हम, क्या कि उस छोटी माहिरा कौन है, माहिरा आ जाए जी, छोटी हो, एफर्ट की है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स टू कम ऑन टीवी, और टीवी पे आकर तकरीर करना आसान काम नहीं है। कोलगेट मिसवाक की तरफ से आपके लिए मेहनत करना है, क्या करना है, मेहनत करना है। इसके साथ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम वापस हाजिर होंगे, देखते रहिए नूर रहमान इश्क रमजान। अच्छा जी,
इससे पहले कि हम ब्रेक से जब वापस आए तो आपने हमारी टीवी वन की स्क्रीन पर एक कलाम सुना। ये जो कलाम है पहली मर्तबा टीवी वन की स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है और ये बिनोरिया मीडिया की तरफ से, और आज इफ्तार के बाद बिनोरिया मीडिया के जो ऑनलाइन चैनल है उस पर भी अपलोड हो जाएगा और ये पहली मर्तबा है कि हमारी स्क्रीन पर आए। वैसे हम रोज़ रमज़ान और सेहत से पहले बिनोरिया मीडिया की तरफ से जो भी कलाम है वो आप तक पहुँचाते हैं, और ज़रूर आप उनके बिनोरिया मीडिया के डिजिटल चैनल देखिएगा और आपको पता चल जाएगा वहाँ अपलोड हो जाएगा। आज मेरे साथ आज टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज 25वां रोज़ है और ये मेरे इंटरेस्ट का टॉपिक आया है, एंड आज हम बात करें स्किन के हवाले से। बहुत सारी जो लड़कियां होती हैं, ख्वातीन होती हैं, वो स्किन के हवाले से परेशान होती हैं, चाहे डार्क सर्कल्स हो, पिगमेंटेशन हो, या फिर स्किन यू नो विटामिन सी की कमी हो, या फिर स्किन पे एक फ्लॉलेसनेस नहीं आती, झाइयाँ, लाइन्स, सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद है हकीम हमादुल्ला अलवी साहब, और मेरे साथ मुझे आज ज्वाइन इन किया है डॉक्टर लाइबा शेख ने, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, एस्थेटिक फिजिशियन हैं, एंड ट्रेनिंग इन्होंने ली है अमेरिकन बोर्ड ऑफ एस्थेटिक्स से, उसके बाद बेवरली हिल्स में से भी जाके इन्होंने एस्थेटिक्स में ट्रेनिंग की है, और डॉक्टर जॉनथन साइक्स साइक्स हु इज़ द वर्ल्ड रिनाउंड प्लास्टिक सर्जन, उनके साथ ट्रेनिंग की है। सो That is amazing. Thank that you. adds a lot. And yeah. now tell us, मैं अपनी स्किन के लिए क्या क्या करूँ? Your skin's flawless. Thank you so much. No, so, Laiba, let's start with something very basic, जो हर लड़की का problem होता है, dark circles. और आजकल products market में over the counter इतने आ गए हैं, you know, and this retinol हो गया, और क्या कहते हैं? Niacinamide बहुत ज़्यादा आजकल trending में चल रहा है, राख को लगाए। So, is it okay if you just start putting these things? See, what I believe is कि dark circles ख़त्म नहीं होते अगर ये कोई बोल रहा है कि ख़त्म होंगे तो वो ख़त्म नहीं really? होते क्योंकि इसके अंडरलाइंग इशूज़ बहुत हैं। सबसे पहली बात, पानी का इनटेक बहुत कम है हमारा, दूसरा स्क्रीन टाइम इतना है, अब वो जितना भी कोशिश करें हम कम वो करते ही नहीं है, और रातों की नींदें रमज़ान में तो वैसे ही कोई पूरी नहीं करती। डार्क सर्कल्स के साथ रहेंगे तो आई थिंक कि कम हो सकते हैं, ख़त्म नहीं हो सकते, ठीक है। एंड प्रोडक्ट्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं, रेटिनॉल जिसने आपने मैंशन किया, दैट इज़ फॉर एंटी एजिंग, ठीक है, लेकिन जो कैफीन बेस्ड प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में वो हम डार्क सर्कल्स पे यूज़ कर सकते हैं, दैट विल रिड्यूस देम डाउन, एंड वो पफी आईज जो हो जाती हैं वो कम हो जाएंगी, बट दे कांट द डार्क जो पैच बना होता है बिल्कुल डार्क स्किन डिफर करती है। बट पीपल गो फॉर फिलर्स एज वेल दीज डेज, कि वहाँ पे फिल कर दें तो थोड़ा बेटर लुक हो जाए, लेकिन आई थिंक नेचुरली अगर आप करना चाहेंगे तो अपनी नींद पूरी करें, स्क्रीन टाइम कम करें, और अपनी हाइड्रेशन लेवल थोड़ा मेंटेन रखें। अच्छा, यू नो व्हाट, लेट मी टेल यू वन थिंग, जब हम किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वी डोंट एक्सपेक्ट stuff like this, you know, yeah, we expect हाँ हाँ हो जाएगा, बस ये मैं कर दूंगी ना तो ये, आप पहली डर्मेटोलॉजिस्ट से कह रही है नहीं, आप अपना स्क्रीन टाइम कम करें, आप अपने प्रोडक्ट सेल नहीं कर रही हो, जस्ट टेलिंग मी कि ये करें, because there's no point, so even if I treat you and you don't sleep well, ठीक है जी। सो मैं आप मजीद आपके पास आऊंगी, यही सवाल मैं हिकमत की तरफ लेके जाती हूँ, बिकॉज आपको पता है हर किसी का इलाज, हर चीज का इलाज होता है हिकमत में। जी मुझे बताया हकीम साहब के डार्क सर्कल्स, ये जो आंखों के नीचे काले काले बिल्कुल वो धब्बे पड़ जाते हैं, इसके कोई ट्रीटमेंट है? कहते हैं कि ग्रीन टी के जो बैग्स होते हैं ठंडा करके रखो, ये शहद में कुछ मिक्स करके रखो तो उससे कमी आती है। जी देखिए, ये इसकी जो पहली वजह ये होती है कि जिस्म के अंदर कोई ना कोई जिस्म के अंदर किसी चीज़ की कमी होती है, और वो खुराक हमें अपनी बेहतर करनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि स्किन पे लगाने के लिए जो ये दाग धब्बे हो जाते हैं, ये ख़ास तौर पर हल्के जिसको हम बोलते हैं, तो इसके लिए बेहतरीन चीज़ ये है कि पपीता ले लीजिए, ठीक है, और उसको छिलका उतार कर उसको पेस्ट कर लें, और उसी के बराबर वज़न ही हल्दी बिल्कुल बारीक कपड़े से छान लीजिए और उसके हम वज़न मिला लें, और ये मिला लीजिए इसी के अंदर। मैंने कहा ये तीसरी चीज़ क्यों आ गई? जी हल्दी, तो बराबर वज़न दोनों चीज़ें मिला लें, जैसे एक चम्मच पपीते का पानी लिया और एक चम्मच हल्दी शामिल कर ली, पेस्ट बन जाएगा। वो पेस्ट अगर हम यहाँ लगाएंगे तो उससे हमारे ये हल्के ख़त्म हो जाएंगे। अंदरूनी तौर पर हमें अगर दूध का इस्तेमाल हम ज़्यादा करेंगे, और इसी तरीके से जो है अंदरूनी तौर पर जो है ना ग़िज़ाओं का, मग़ज़ियात का, बादाम का, यानी बादाम का हलवा इस्तेमाल करें, या गाजर का ज़्यादा इस्तेमाल करें, या चुकंदर का ज़्यादा इस्तेमाल करें, और इसी तरीके से अनार का ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो ये हम कमी इसकी दूर कर सकते हैं। कितना अर्सा लगेगा इसमें कम अज़ कम ये ट्रीटमेंट? जी देखें, कम से कम कोई भी मर्ज़ है उसके अंदर अगर बहुत पुराना है तो उसमें कम से कम 40 दिन या 2 महीने 3 महीने लग सकते हैं, लेकिन जी तो अच्छा, इसके साथ हम जो है क्या कहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। एक ओप्टन बताते हैं हम इसके साथ। ओप्टन ये है कि वेसलीन होती है, वो एक चमचा ले लें,
और इसके अंदर जो है ना जौ का आटा होता है, बिल्कुल उसको किसी बारीक कपड़े से छान लीजिए, दो चमचे वो ले लें। और इसी तरीके से हल्दी, हल्दी बिल्कुल बारीक खालिस जो है वो भी दो चमचे ले लें, और वो वैसलीन के अंदर जो है उसका पेस्ट बना लें। ये ओप्टन बन जाएगा आपके घर में, ओप्टन तैयार है। तो ये हमारे चेहरे के ऊपर जो खुश्की हो जाती है या ये जो डार्क सर्कल्स हो जाते हैं या ब्लैक इकनी हो जाती है या दूसरे मसाइल हो जाते हैं, उसके लिए बेहतरीन ओप्टन है। आप इसको 10 मिनट के लिए भी लगा सकते हैं और 1 घंटे के लिए भी लगा सकते हैं, उसके बाद इसको वॉश कर। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुलाइबा। टेल मी, अच्छा ये चीज़ होगी फिर जो लोग काम करते हैं, ऑब्वियसली यू नो एवरीबॉडी वांट्स टू लुक नाइस, तो यू नो दे गेट एग्जॉस्टेड, तो क्या कोई ऐसी स्किन रूटीन में चीज़ शामिल करें जो यूज दिसे कि वाइटामिन सी लगाने से आपकी जो फ्रेशनेस आती है? वाइटामिन सी से पिगमेंटेशन कम होती है, बट आई थिंक मॉइस्चराइजर इज द की। If you moisturize your skin very well, तो वो जो dehydrated सी sunken eye look और वो बिल्कुल उदास शक्ल जो हो जाती है वो नहीं रहेगी। अगर proper moisturizer and for the right skin, that's a very big problem कि oily skin वाले dry skin वाला use कर रहे हैं, combination वाले कोई नहीं use कर रहे हैं। One thing, dry skin के लिए कुछ है ही नहीं, I'm talking about face wash, तो मेरे साथ क्या होता है? Okay. मैंने दुनिया भर के फेस वॉश ट्राई कर लिया है। Really? सही है, हाँ, स्पेशली पाकिस्तान में जहाँ जहाँ जो चीज अवेलेबल थी और कुछ बाहर की चीजों में से, मेरी स्किन को कोई ऐसा प्रोडक्ट उसके अंदर होता है जो मेरी ये वाला एरिया इसको ड्राई कर देता है, इसको एक्सट्रीमली ड्राई कर देता है। नहीं, दे आर, आई एम नॉट श्योर व्हिच वंस यू यूज्ड, आई विल स्पीक टू यू लेटर अबाउट इट, वी विल सी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब आप कोई चीज उठाएं तो आपकी स्किन के हिसाब से चेक करें। या प्लीज आइडेंटिफाई योर स्किन टाइप फर्स्ट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप स्किन प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं, कौन सा किस पे यूज करना है। अब ऑयली स्किन वाले अगर थिक मॉइस्चराइजर यूज करेंगे तो एक्ने हो जाएगी, यू नो इट्स प्रोलॉन्ग, मतलब हर चीज कनेक्टेड है। सो आई थिंक सबसे पहले मॉइस्चराइजर वेरी इंपॉर्टेंट, सनब्लॉक वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द राइट स्किन सीरम्स लाइक यू मेंशनड, रेटिनॉल हो गया, नायसिनमाइड हो गया, विटामिन सी हो गया। अब जिस तरह पर्सन लाइक मी, मुझे पिगमेंटेशन बहुत जल्दी हो जाती है, आई यूज विटामिन सी। मुझे विटामिन सी की जरूरत पड़ती है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ नायसिनमाइड टू हेल्प माय पिगमेंटेशन गोलो। सो पिगमेंटेशन झाइयां हो गई, पिगमेंटेशन आती जाती रहती है। यस, इट्स रिलेटेड टू स्ट्रेस, अ लॉट रिलेटेड टू स्ट्रेस, अ लॉट रिलेटेड टू। सो दे आल्सो से कि अगर यहां पिगमेंटेशन है इसका मतलब कुछ और है, अगर यहां पे बिल्कुल। सो ये वाली जो पिगमेंटेशन बहुत आम होती है जो खवातीन में आती है, इसका क्या मतलब ये है? एक तो है पोस्ट हार्मोनल चेंजेस की वजह से बहुत इस तरफ आती है, बैक ऑफ द नेक हो गई, यू कैन सी इट ऑन द नोज। प्रेगनेंसी से पहले, प्रेगनेंसी जो प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन का टाइम होता है उसमें आती है, प्रेगनेंसी के फौरन बाद आती हैं, जब लड़कियों के PCOS का एक मसला है बहुत कॉमन अनफॉर्चुनेटली, उसमें ये पिगमेंटेशन हो जाती है। सो जो लोगों को पिगमेंटेशन है वो क्या करें? सबसे पहले तो देयर ट्रीटमेंट्स फॉर इट व्हिच आई थिंक दे कैन डू। ऑल्सो अगर स्किन रेजिमेन में हम विटामिन सी लाइक यू मेंशन या नायसिनमाइड ऐड करें या कुछ ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं, अगर आई वुड मेंशन देम, अगर हम कर सकते हैं तो वो, अगर हम यू कैन अप्लाई, बट प्लीज नॉट दोस फार्मूला क्रीम्स, वो जो चार फार्मूला क्रीम्स बिल्कुल भी ना करें, प्लीज नहीं करें। वो जो चार फार्मूला क्रीम्स आती हैं, आई रिक्वेस्ट वो प्लीज यूज़ नहीं करें, बिकॉज बाई द टाइम जब आप उसको छोड़ते हैं फिर हमारे पास आते हैं, हमारे पास कुछ बचता नहीं है उसको ठीक करने के लिए, क्योंकि स्किन इतनी पतली हो चुकी होती है और इतनी सेंसिटिव हो चुकी होती है कि फिर हमारे बस से वो बात बाहर हो जाती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो हम झाइयों की बात करें, जैसे कि उन्होंने बताया, तो झाइयों के लिए कुछ हिकमत में कोई चीज़ है? जी देखें, ये झाइयों के लिए और खास तौर पे ब्लीचिंग एजेंट्स के बारे में बात की थी, तो टमाटर और ये सारी चीज़, ये भी तो ब्लीच ही करते हैं, नींबू टमाटर। जी 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 बिल्कुल, ये भी ज़बरदस्त चीज़ है, आलू भी बड़ा ब्लीच है। आलू भी बेहतरीन चीज़ है। अच्छा, इसके लिए जो है ना मैं बताता हूँ, एक चीज़ बहुत मुफीद है ना, और उसके लिए छाइयों के लिए भी बेहतरीन है, और ये ख़ास तौर पर जो ये जो आपने जिक्र किया कि ये जगह ब्लैक हो जाती है ना, ये इसके, और जैसे इन्होंने कहा, और इसी तरीके से जो है ना, एक चीज़ जो आपने ये पूछी कि ड्राई हो जाती है, उसके लिए एक बेहतरीन चीज़ है, और हमने अपनी पेशेंट जो हमारी लेडीज़ पेशेंट हैं माशाल्लाह, उनको हमने ये दे के देखा है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। देखें, रोगन बादाम, ठीक है, वो आप अच्छे वाला ले लें कहीं से भी, किसी भी अच्छी बादाम, मतलब क्या, ये ऑयल, बादाम का ऑयल, ठीक है, बादाम का ऑयल ले लें। दूसरी चीज़ ये है कि लीमू हर घर में मौजूद है, उसका पानी भी निकाल लीजिए। और तीसरी चीज़ ये कि खालिस शहद, ठीक है, हनी, तो ये तीन चीज़ें जो है आप मिक्स कर लें बराबर वज़न, ठीक है, एक एक चमचे तीनों चीज़ें ले लेंगे, इसको वज़न कर लें, और इसको अपने अपने घर में आप किसी भी जो है ना जार में रख लें, जार में रख लें। तो ये एक बेहतरीन चीज़ है कि जो छाइयाँ हो जाती हैं या ब्लैकनेस हो जाती है अक्सर यहाँ जो है ना, इससे छाइयाँ हो जाती हैं और अजीब सा इंसान का जो है ना वो खूबसूरती जो है वो बदसूरती में जो है ना बदल जाती है, तो उसके लिए एक बेहतरीन चीज़ है ये कि सुबह शाम लगाएँ, और इससे जो है ना 3 दिन में ही आपका चेहरा जो है वो नुमाया हो जाता है, बिल्कुल
बिल्कुल साफ हो जाता है। चलो जी जबरदस्त, इसके साथ यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। देखते रहिए नूर रहमान इश्क रमजान। आज फैज़ हदीस में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद सरवादा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे डॉक्टर साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, आज हमने इंट्रोडक्शन में बात की औलाद की तरबियत पे, हमने बात की वालदैन के हवाले से, तो आज आप हमें क्या बताने जा रहे हैं? नहमदुहु व नुसल्ली अला व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये ऐसा इंपॉर्टेंट और अहम टॉपिक है, चूँकि जब तरबियत करते हैं दरअसल हम एक अपने बेटा या एक अपना औलाद का नहीं, एक्चुअली हम रेज कर रहे होते हैं वो पूरा एक जनरेशन है, ठीक है, एक माशरा है, क्योंकि वही औलाद जाके माशरा का हिस्सा बनते हैं, फिर आपकी तरबियत वहाँ नुमाया होते हैं, वहाँ दिखते हैं। देखिए, जब हम तरबियत के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार क्या था, अगर उसने किसी को तरबियत दी तो कैसे दिया है। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, द बेस्ट एग्जांपल्स आर फाउंड इन द प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टीचिंग्स। ये तय है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रवायत है, फरमाती है कि قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه। यहाँ दो बेसिक प्रिंसिपल्स तरबियत करने का यहाँ पर बयान फरमा रहे हैं कि क्या है कि इंसान के अंदर अगर आपने किसी भी मुआशरा या अपने बच्चा या किसी को भी तरबियत करना चाहते हो तो सबसे पहले आपने अपने मिजाज को नरम रखना, आपने यू हैव टू बी जेंटल काइंड एंड सॉफ्ट टू देम। इस वजह से देखते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब आया कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाया वलौ कुंता फज़्ज़न ग़लीज़ल क़ल्बि लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, कि अगर आप नरम गोयाई वाला ना होते, सख्त होता है, सख्त दिल वाला होते, मतलब सख्त मिजाज वाला होते, तो आपके इर्द गिर्द जो सहाबा इकराम नजर आते वो आपके पास जमा ना होते। मतलब क्या हुआ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला प्रिंसिपल किसी को रेज करना या किसी मुआशरा को तरबियत करने के लिए जो प्रिंसिपल का क्या है कि वो इंसान का खुद नरम होना, सॉफ्ट होना, काइंड होना। दूसरा क्या है, दूसरा प्रिंसिपल वो जो कि हदीस के अंदर है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, लीडरशिप, कि आपके अंदर खुद कायद होना, खुद आपके अपना करतूत, आपका गोयाई, आपके काम क्या है, बिकॉज वी लीड बाई एग्जाम्पल्स नॉट बाई वर्ड्स। अगर आप किसी की तरबियत करोगे तो जो आप करोगे वही आगे सब करेंगे, जो आप कहेंगे बहुत कम उस पर अमल पैरा होंगे। ख़ास करके जब बच्चों की तरफ देखते हैं, द वाइज मान वन से वाइज मान सेड के अलहसन मा फ़अलता हु वलकबीह मा तरकता हु, कि बच्चे के नज़र में जो अच्छा काम वही है जो आप कर रहे हो, और इसी तरीके से बच्चे के नज़र में बुरा काम वो है जो आप नहीं कर रहे हो। मतलब क्या हुआ कि अगर आप बुराई करोगे कोई भी एनी एक्शन ऑफ योर्स जो भी, वही बच्चा उसी को देख के आगे चलेगा, यही उसका तरबियत है। भले आप हज़ार दफ़ा उसको बोलो ये करो वो करो वो करो, लेकिन अगर आपका अमल उसका बराक्स है, बच्चा आपके बात को नहीं लेंगे, जो आप करते हैं बच्चा उसी को फॉलो करेंगे। यही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत थी, क्योंकि अगर सहाबा इकराम को देखते हैं वो पूछते कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे, काना खुल्कुहु अल-कुरान। जब सहाबा इकराम किसी भी माशरा या किसी भी एक नए जगह पे जाते थे, तशरीफ ले जाते थे, उनको दावत देने के लिए कुछ भी नहीं कहते थे, सिर्फ कहते थे कि हम जैसा हो जाओ, कोनो मिसलना, हम जैसे हो जाओ, मतलब हमें देख के जो हम कर रहे हैं बस वही कर, जस्ट बी दैट, और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चल रहे हैं। सो डॉक्टर साहब, हम ये मसाल डिस्कस कर रहे थे कि वालदैन अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, अपना जो कुछ होता है बच्चों के लिए दे देते हैं, बच्चे जब बड़े होते हैं और जब वक्त आता है कि अब बच्चे ख्याल रखें वालदैन के, अक्सर जो बच्चे होते हैं वो वालदैन का ख्याल नहीं रखते, नाफरमान होते हैं, कुछ तो घर से भी बाहर निकाल देते हैं, कुछ की शादियां हो जाती हैं, तो मतलब अलग अलग किस्म के मसाइल हैं, बेटियाँ देखती हैं तो बेटे नहीं देखते, कहीं कहीं बेटियाँ नहीं देखती। ये लाइफ जो है ना इज़ अ सर्कल,
ये देखना चाहिए कि इंसान को कि आपने अगर आपके औलाद आपके नाफरमान है तो आप देखिएगा कि आपका अपना सलूक क्या था अपने वालदेन के साथ, क्योंकि इस शक हो जैसे करोगे वैसे बढ़ोगे। अगर आपने अपने वालदेन के साथ अच्छाई की थी तो सवाल ही पैदा नहीं होते कि आपका औलाद आपके नाफरमानी करे, क्योंकि वो चीज़ आपके अंदर आपकी तरबियत है, वो चीज़ आपका यू आर रेज लाइक दैट, ऐसे ही आप ब्रोट अप ऐसे ही हुए हो कि आपने अच्छाई की, आपके बच्चों ने यही देखा और आपने उनके साथ नरमी इख्तियार की। सबसे मेन चीज़ नरम, अगर आप उनके साथ नरमी रवैया नरम रवैया हर एतबार से रखोगे तो वो भी आपके साथ क्यों सख्ती, क्योंकि उनके तरबियत हुआ ही नरमी के साथ, तो वो आपके साथ नरम नरम रहेंगे नरम। وَخَفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا। नरम नरम यार देखिएगा, एक ये दूसरी बात है कि कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिस पे बच्चों के तरबियत के अंदर वो क्या कहते हैं हम उससे कहे हैं कि नॉर्म्स है जो होने चाहिए, जिसको करने से बच्चे के अंदर खुद ब खुद वो तरबियत आती है। नंबर एक सबसे पहले अल मुहाफ़ज़त अला सलात मअल जमा, नमाज का पढ़ना सबसे पहले कोशिश ये है कि वालिद का कि वो जमात मस्जिद में जा रहे हो तो अपने साथ अपने बच्चा को लेकर जाइए, उसको फिर दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं है कि बेटा नमाज का टाइम होगा, खुद ही नमाज का टाइम होगा, खुद ही चले जाए, बिल्कुल ये चीज़ है। दूसरा क्या है कि खाना के टाइम पे हमेशा पूरे फैमिली को दस्तरखान पे जमा करना, बिल्कुल अपने बच्चों के साथ, क्योंकि वो ऐसे मोमेंट्स होते हैं जिसमें आप अपने बच्चों को करीब से देखते हैं कैसे कह रहे उनके बोलने के क्या है आपस में बॉन्डिंग का टाइम होता है वो, एग्जैक्टली। तो ये बॉन्डिंग यहीं से ही आपके बच्चे आपका तरबियत और आपका ख्याल रखेंगे बाद में, क्योंकि आपने उनको अपने साथ रखा, उनके साथ मियाना रवैया इख्तियार किया, नरम इख्तियार किए हर एतबार से, उनकी गलतियाँ आपने खाने के टाइम में आपने पूछ लिया क्या व्हाट्सअप प्रॉब्लम कहाँ था ये, तो उसी वक्त ये तरबियत है। बिल्कुल, अक्सर जब हम सोने के लिए लेटते हैं तो मेरी बेटी तब लेटते वक्त मुझे बहुत सारी बातें स्कूल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो मेरा उसका बॉन्डिंग का टाइम होता है। बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ वक्त टाइम स्पेंड करें। यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम वापस हाजिर होंगे, देखते रहिए नूर रहमान इश्क रमज़ान। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरे साथ यहाँ स्कॉलर्स मौजूद हैं। सवाल का जवाब एक ऐसा सेगमेंट जहाँ हम आपके सवाल लेंगे, उल्माए कराम देंगे आपके सवालों का जवाब। जी जनाब, और इस वक्त कैमरा के पीछे इतनी मूवमेंट हो रही है ना, सब रोक दो कैमरा की पीछे भाइयों। अच्छा, मेरे साथ यहाँ मौजूद है मुफ्ती मोहम्मद अफनान साहब, मेरे साथ मौजूद है मुफ्ती अब्दुल रऊफ, मुफ्ती सैयद जुल्फ़िकार अली गिलानी साहब एंड डॉक्टर सरवत अस्करी। हर दिन हम आपके सवालों का जवाब लेते हैं, कुछ सवाल मेरे पास मौजूद होते हैं सोशल मीडिया के जरिए और कुछ आपके कॉल्स के ज़रिए, तो आप लोग कॉल करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवाल ले सकें। सबसे पहले मैं शुरू करूंगी, मेरे पास आपा आपके लिए सवाल है, क्या नाफरमान औलाद को आग कर सकते हैं, शरीयत इसकी इजाज़त देती है? नाफरमान औलाद को आग किया जा सकता है, लेकिन अगर वसीयत में जो कुछ है उससे महरूम नहीं किया जा सकता है, इसलिए कि वसीयत जो है इंसान के मरने के बाद अप्लाई होती है और उसमें सिर्फ एक थर्ड हिस्सा जो है वो उसका अपना होता है, बाकी वारिसों में तकसीम होगा। ठीक है, बाबा शुक्रिया। गिलानी साहब, रोज़े के हालत में शुगर का टेस्ट कराने से रोज़ा बरकरार रहता है, क्या अलाउड है शुगर का टेस्ट करा सकता है? मेरे ख्याल से शुगर का टेस्ट जो होता है वो एक वो अल्लाह ताला ने अभी तक तो महफूज रखा हुआ है, वो एक वो छोटी सी पिन सी होती है, वो खून निकलता है एक डॉट, वो छोटा सा डॉट लगता है, खून निकलने से रोज़ा नहीं टूटता, अगर जिस्म से खून निकल जाए तो रोज़ा नहीं टूटता। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात अर्ज़ कर दूँ, शायद मकतब तशय्यु में औलाद को आग करना जायज़ हो, लेकिन हमारे अहले सुन्नत के यहाँ औलाद को आग करना जायज़ नहीं है, औलाद आग नहीं हो सकती। अच्छा। वो आपके जिस्म का जुज़्व है, वो आपसे जुदा नहीं हो सकती, ये कुरान मजीद का बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर कायदा है कि औलाद को आप अपने आप से जुदा नहीं कर सकते, उनको तरके में से भी हिस्सा मिलेगा, जो बाप का बचेगा उसमें से मिलेगा, हमारे यहाँ कायदा यही है। सही, शुक्रिया। अच्छा जी, हाँ हमारे पास एक कॉल है, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर? मैं लाहौर से कामरान बात कर रहा हूँ। जी कामरान साहब जी, मैंने मुफ्ती साहब से एक सवाल पूछना है कि एक से ज्यादा शादी यानी कि दूसरी शादी करने के लिए क्या उसमें पहली शादी पहली बीवी से इजाजत लेना जरूरी है? क्योंकि कानूनी तौर पे तो अब ये जो है एक जुर्म हो गया,
तो शरी तौर पे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इजाजत लेना जरूरी है या वैसे कर। जी जरूर मुफ्ती अफरान साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद है, मैं तो चाहती हूँ कि लाइन पे रहें ताकि अगर मजीद इनको कोई सवाल पूछना तो साथ साथ हो जाए। जी अफरान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद, शरी तौर पर इंसान दूसरी तीसरी चौथी चार शादियों तक कर सकता है बशर्ते के बीवियों के हकूक अदा कर सके, खाने पीने के खराजात, पहनने के खराजात, रिहाइश के खराजात। लेकिन कानूनी तौर पर एक से ज़ायद शादी करने के लिए पहली बीवी की सराहतन रजामंदी ज़रूरी है, लिहाजा शरीय एतबार से अगर हमसे मसला पूछेंगे तो हम कहेंगे दूसरी भी कर सकते हैं, तीसरी भी, चौथी भी, लेकिन कानूनी जो मसला है वो किसी माहिर कानून से पूछ लिया जाए कि इसके लिए क्या क्या जो हल। अच्छा, तो निकाह नामे पे भी इसकी एक जगह होती है, शर्त होती है, क्या इस तरह भी कुछ होता है? नहीं, कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं। साहब निकाह नामे में एक होता है, वो गालिबन आप निकाह नहीं पढ़ाते, मुझे कभी कभी इत्तेफाक होता है। अच्छा, क्या होता है? निकाह नामे में एक कालम होता है जिसमें लिखा होता है कि अगर दूसरी शादी कर रहा है, जिस औरत से ये शादी कर रहा है, तो क्या पहली बीवी से इजाज़त ले ली है, और वो इजाज़त का जो मरासला जो यूनियन काउंसिल को भेजा है इस तरह का। अच्छा, वो एक कानूनी चीज़ें ज़रूरी हैं। एक लेटर उसको बनता है, इसका जो है वो स्टैम्प पेपर बनता है, जिसके अंदर बीवी ये लिखती है कि मेरी तरफ से आपको दूसरी शादी की इजाज़त है और मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं है, मैं लिख कर तहरीर कर रही हूँ ताकि बवक्त ज़रूरत काम आए। अच्छा जी, अब हम ऐसे लिखता कौन है? अच्छा, अब हम दूसरी शादी के बारे में दूसरी शादी के बारे में बात कर रहे हैं, तो अक्सर होता है जैसे आप कह रहे हैं ना बीवी के हकूक वो शख्स पूरे करे। अच्छा, अक्सर ही होता है कि बीवी ज़्यादातर खुश नहीं होती इस अमल से, बीवियाँ ये नहीं चाहती कि वो शेयर करे अपने शौहर को किसी और के साथ, और अगर बीवी खुश ना हो तो जाहिर सी बात है आप कुछ भी उसके लिए करें तो बीवी तो आपकी किसी चीज़ से खुश नहीं होगी, तो उसमें क्या मतलब क्या करे वो जो शख्स है, क्या फिर वो ना करे दूसरी शादी अगर वो देख रहा है कि उसकी बीवी खुश नहीं है इस अमल से? असल में देखें, बात यह है कि आप यहाँ तक ये बात है कि अल्लाह ताला ने तो उसको हक़ दिया है, फ़न के हुमा तो अबलकुम मिनन निसाई मसना वसुलासा वरुबा, और बाज़ जो है वो हमारे जितने सहाबा हैं और अकाबरीन साबित भी है, और बल्कि हमारे यहाँ हिंदू पाक में और बाज़ दीगर कंट्री में मना है, लेकिन अरबों के यहाँ तो होती तीन तीन चार चार हैं, और जिनकी एक होती है उनको तो वो मिस्कीन कहते हैं, बेचारा मिस्कीन है, एक शादी की है इसने, वरना अरबों के यहाँ दो दो तीन तीन चार 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 लोग खड़े होकर उसके ऊपर हंसते हैं, हंसते हैं, और हत्ता के हदीस में यह जिसकी एक बीवी है तो गोया कि बीवी शौहर पे हावी है, जिसकी कई बीवियाँ हैं तो शौहर उस पर हावी है, ये मिसालें मिलती हैं। बहरहाल असल चीज़ यह है कि ज़रूरत की बात होती है, एक ज़रूरत है इंसान की, अगर वो पूरी हो रही है तो फिर दूसरी शादी की तरफ ना जाए, लेकिन अगर हुकूक अदा कर सकता है, जा सकता है, बआसानी उन दोनों का ख्याल रख सकता है, क्योंकि होता ही है कि हर नई चीज़ अच्छी लगती है, नई बीवी आ गई तो उस तरफ हो गया, पहली बीवी बेचारी फतह ज़रूआ अकल मुअल्लका वो ऐसी पड़ी हुई है, बिल्कुल तो ये नहीं पूरे हो रहे। हदीस में इतनी सख्त वहीद है, कयामत के दिन आएगा आधा हिस्सा उसका शल होगा जिसकी दो बीवियाँ हों और दोनों में इंसाफ ना करता। अच्छा, मतलब इंसाफ करना ज़रूरी है, ये नहीं कि वो है तो उनके लिए चीज़ें भी खरीदे जा रहे हो, पीछे वाली को बेचारी को पता, दोनों को बराबर के साथ दे। सही जी, मेरे पास कॉल है क्या? इतनी जल्दी यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम वापस हाजिर होंगे तो मज़ीद कॉल्स लेंगे। नूर रहमान इश्क रमज़ान में खुश आमदीद, कुछ अहम डिस्कशन ब्रेक में भी हो रही थी और सामने आपके सामने भी हो रही थी। अभी मेरे पास एक और कॉल आ गई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी जनाब, कौन बात कर रहे हैं? जी मोहम्मद हारून बात कर रहा हूँ नाजमाबाद से। जी हारून साहब, आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है कि अगर किसी शख्स की दो बीवियाँ हों और एक से ज्यादा मोहब्बत करे, ज्यादा उन पर इख़राजात करे, अच्छी गाड़ी में घुमाए, अच्छी रिहाइश दे, यानी ज्यादा फैसिलिटीज दे उनको, और एक को वो दे जो उसका हक है, ठीक है ना, हुकूक दोनों को दें, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक से ज्यादा दिल लगाव होता है या ज्यादा मोहब्बत होती है, तो इसमें किसी किस्म की शरीयत के लिहाज से कोई पकड़ या कोई इस तरह की चीज हो तो वो जरा बता दें मुफ्तियान इकराम। जी शुक्रिया, मेरे साथ मुफ्ती रऊफ साहब हैं, वो आपको बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम। जहाँ तक ज़ाहरी हुकूक की बात है उसमें बराबरी शर्त है, ज़रूरी है, अनटिल अनलेस के अगर किसी एक दोनों में से कोई एक जो है अपनी रजा कराना तौर पर अपने हकूक में दस्तबरदारी कर दे या अपने उसमें वो कर दे तो फिर तो ठीक है। ठीक, यानी कोई एक जोजा जो है वह अपने हकूक से दस्तबरदारी कर सकती है या पार्शल किसी को हक माफ़ भी कर सकती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर ज़ाहरी जहाँ तक हकूक़ की बात है वो दोनों में बराबरी शर्त है और ज़रूरी है। अलबत्ता बाकी रही बात के दिल के मामलात की,
तो दिल कभी किसी के कंट्रोल में नहीं होता, उसको इंसान को अपने ज़ाहरी जो है एक्सप्रेशन और इन चीज़ों को उससे कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए जहाँ तक कंट्रोलेबल मामलात हैं। बाकी दिल के मामलात जो हैं वो तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद है कि अल्लाह ताला से फरमाया कि दिल का मामला जो है वो तो मेरे हाथ में नहीं है, और ये दिल का मैलान जो है कभी भी इसका ज़ाहरी इस पर इंसान को कुदरत भी नहीं होती। बट आपने कोशिश करना है कि मैक्स कोशिश किया, आपने दोनों को इक्वल ट्रीट करना है, इक्वल हकूक देना है, और वो जो मामलात हैं आपके दिल के तो आप खामोश रहे, जाहिर करने की जरूरत नहीं कि मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करता हूं। देखें प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो ये इंसानी ज़िंदगी में बज़ाहिर तकरीबन नामुमकिन के करीब हो जाता है कि एक एक चीज़ बराबर उसको वो करने का, तो इसका यह है कि इंसान होने के नाते बंदा अपनी बीवी से माफ़ी भी गाहे गाहे मांगता रहे, उसकी दिलजोई करने की कोशिश करता रहे। तो हमारे यहाँ ये है कि बीवी से माफ़ी मांगना एक इंसान के एक मर्द के ना मर्द होने की समझा जाता है कि ये एक मर्द नहीं है। ओहो बिल्कुल। तो बीवी से भी माफ़ी मांगते रहना चाहिए, वो एक ऐसा इंसान है जो आपसे बहुत करीब है और उसके हकूक़ आपके ऊपर लाजिम है। तो बीवी से भी गाहे गाहे माफ़ी मांगता रहे इंसान कि आपकी हक तलफी है या रमज़ान है, बाकी लोगों से हम माफ़ी मांग रहे होते हैं, कईयों से वो कर रहे होते हैं, तो जो अपने घर में जिसके हकूक लाजिम है तो उससे हम बिल्कुल गाफिल और आगाह नहीं होते। मुफ्ती अफनान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब मुझे बताएं, कुरान मजीद पढ़ते हुए अगर यौन कर लेते हैं आप तो क्या क्या आपका वजू टूट जाता है जमाई? अगर आप इससे तो वजू नहीं टूटता, और बस ये है कि ये जो जमाई जब आती है तो ऐसे मुँह को खुला ना रखे या आवाज़ पैदा ना हो, ये शैतानी फेल है, इसको जितना हो सके रोके, और अगर आ ही रही हो तो हाथ रख ले। हाथ रख ले, ठीक है, बिल्कुल सही। हमारे साथ आपा भी मौजूद हैं और मुफ्ती गिलानी साहब भी मौजूद हैं। वजू की हालत में छोटे बच्चे के को मेरे ख्याल से कोई ये वही शख्स है जिन्होंने ऊपर वाला सवाल लिखा है कि छोटे बच्चे का डायपर बदलते हैं तो वजू टूट जाता है, वजू मुझे फिर से करना पड़ेगा? नहीं, डायपर वगैरह चेंज करने से वजू नहीं टूटता। वजू का टूटने का ताल्लुक इंसान की अपनी ज़ात के साथ है। अच्छा। किसी और की ज़ात के साथ नहीं है। कि अगर अपनी ज़ात से कोई ऐसा अमर सादिर हो गया जो नाकिद वजू है यानी वजू को तोड़ने वाला है तो वजू टूटेगा। तो अगर इसी तरीके से बच्चे का डायपर वगैरह चेंज करना वो उसकी अपनी ज़ात का मामला तो नहीं है। हाँ, इस दौरान ऐसा हो सकता है कि बाज़ औक़ात जो है वो बच्चे का पेशाब वगैरह कपड़ों पर लग जाता है। हमारे यहाँ एक ये बहुत बड़ा गलत कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि बच्चे का पेशाब पाक होता है, ऐसा नहीं है। अच्छा। अगर एक लम्हे का भी बच्चा है ना हलक से नीचे उतर कर चीज़ किसी भी रास्ते से बाहर आएगी वो नापाक हो जाएगी, चाहे एक मिनट का बच्चा भी है उसका पेशाब भी नापाक है, पाक नहीं है। इस बात का ख्याल रखा जाए, बाकी वजू नहीं टूटता। ठीक है जी, अब यहाँ कुछ सवाल देखिए, ईद करीब आ गई तो कुर्बानी के हवाले से भी सवाल आ रहे हैं। अच्छा जी, कोई पूछा जा रहा है कुर्बानी का गोश्त जब हम तकसीम कर, अच्छा ये वाली थोड़ी है बाद वाली ईद है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, पहले से लोग पूछ रहे हैं, तो कुर्बानी का जो गोश्त होता है वो तकसीम किस तरह किया जाए? अक्सर लोग क्या करते हैं, आपा के अच्छे अच्छे जो पीसेस हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने यू नो ससुराल में पहले भेजते हैं, अपने खालाओं के पास करीबी बहनों को दे देते हैं, फिर जो कुछ होता है वो गरीबों में जाता है। अच्छा, लेकिन फिर ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, ये सबके पास इतना है, अल्लाह ताला ने इनको दिया है, इन सबके घर में गोश्त पकता है, ये सब तमाम गरीबों में बांटो, तो क्या दोनों तरीके गलत हैं या एक आप कुर्बानी का गोश्त हर जगह भेजना जरूरी है? शरीयत ने जो बताई है कि कुर्बानी के गोश्त के तीन हिस्से करने पड़ेंगे और बिल्कुल बराबर इक्वल एक जैसे करें, बिल्कुल मिलते जुलते करें, और एक हिस्सा आपका अपना होगा, एक हिस्सा आपके रिश्तेदारों का होगा, और एक हिस्सा गुरबा और मसाकिन का होगा। तो बेहतर यह है कि इंसानों की मर्जी को मद्देनजर ना रखा जाए बल्कि अल्लाह की मर्जी को मद्देनजर रखा जाए। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी बात। और अक्सर क्या होता है मुफ्ती साहब, रानें अलग हो जाती हैं, बचता कुछ नहीं है उसके बाद। तो इस दफ़ा तो मैंने, पिछली दफ़ा तो मैंने कहा था सब काट दो, सब काट के एक साथ मिक्स कर दो और बस फिर थैलियाँ बनाओ, जो जिसके नसीब में आए वो जाए। अच्छा, ये मुस्ताहब है, अगर आप अपना डिफ्यूज़र भर लेते हैं अगले डिफ्यूज़र अगले कुर्बानी तक तो ये भी जायज़ है। अच्छा, ये मुस्ताहब है सिर्फ अगर आप किसी को कुछ नहीं देते, आप कहते हो मेरा डिफ्यूज़र भरा रहे, अगली जब कुर्बानी आएगी ना जब तक गोश्त रहना चाहिए, ये भी सही है। इस पे तो अबू इतना डांटते हैं कि ये फ्रीजर क्यों भरा हुआ है, निकालो दो। अच्छी बात नहीं, वो फरमा रहे हैं गुंजाइश है, मुस्ताहब है। मुस्ताहब का मतलब क्या है कि तीन डिवाइड हिस्से करें ना, लेकिन अगर कोई नहीं करता तो जायज़ है, ऐसा मसला नहीं है कि कोई नाजायज काम किया। अच्छा ठीक, बल्कि क्या आप रख सकते हैं। हाँ, होता क्या है कि हम रस्मन दे रहे होते हैं, रस्मन का मतलब ये वहाँ से आया है तो वहाँ से लौटाते हैं। हाँ, हमें ऐसे लोग तलाश करने चाहिए जिनकी कुर्बानी नहीं हुई,
और या जो ऐसे सफेद पोश हैं जो नहीं कर पा रहे उनको तलाश करके उनको देना चाहिए, ये है सवाब। बिल्कुल, जिनके घर ये चीज़ें नहीं पकती हैं रोज़मर्रा उसके अंदर। ठीक है मुफ्ती साहब, यहाँ अच्छा कुर्बानी का हो गया। एक शख्स ने बेटी की शादी के बाद ज़मीन खरीदी, उसमें से बेटियों को हक़े विरासत, उसमें बेटियों का हक़े विरासत होगा, किसी का सवाल है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, विरासत का ताल्लुक उसूली तौर पर इंसान की वफ़ात के साथ है। जैसे ही ज़िंदगी की सांस का ताल्लुक ख़त्म हुआ तो जो माल उसके कब्ज़े में उसकी मिल्कियत में ज़िंदगी के हद तक था वो तमाम का तमाम तरके और विरासत का हिस्सा बनेगा, और फिर बेटियों का और जिन जिन के भी हकूक उनके साथ वो शरीयत ने जो हकूक मुकर्रर किए हैं उनको उसके हिसाब से हिस्सा मिलेगा। गिलानी साहब, क्या रज़ाई औलाद का विरासत में हक होता है, अगर होता है तो कितना? देखिए रज़ाई औलाद का जो विरासत के जो 12 कवानीन है उनमें रज़ाई औलाद का किसी जगह पर कोई तذکرہ नहीं है। हाँ, एक ऐसी सूरत हाल है कि अगर उस मरने वाले का या मरने वाली का दुनिया में कोई भी अजीज़ और रिश्तेदार ना हो, दुनिया में उसका कोई भी नहीं है, दरअसल ये कि उसके वालिद साहब भी नहीं है, वालदा भी नहीं है, कोई भी नहीं है, अब उसका ये एक रज़ाई बेटा रह गया और लोग जानते हैं कि वो इसको बेटा कहता था कि ये मेरा बेटा है, जिसको ले पालक मुँह बोला बेटा भी कहा जाता है, और रज़ाई बेटे का ताल्लुक मुँह बोले बेटे से आगे होता है। पहले तो कानून ये था कि वो सारे का सारा माल जो उसका बच जाता था वो बैतुल माल में दे दिया जाता था, लेकिन अब इस वक्त शौमीय किस्मत ये कि बैतुल माल की जो हालत है वो अब हमारे सामने, बैतुल माल से मेरा गवर्नमेंट के कस्टडी में दे दिया जाता था, लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट की कस्टडी में अगर यूँ समझिए कि वो पंजाबी में कहते हैं लख जावे या कख जावे, तो वो यूँ समझे कि उसका कोई पता नहीं चलता। तो इस सूरत हाल में रजाई बेटे को बाज़ उलमा ने कहा है कि दिया जा सकता है, लेकिन जब उसकी हकीकी औलाद जिंदा है, उसकी अपनी औलाद जिंदा है, तो फिर रजाई औलाद का उसमें कोई हिस्सा नहीं विरासत। बिल्कुल। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। अफनान साहब, अच्छा होता ही है कि आजकल लोग बहुत अच्छे काम करें, बहुत नेक काम कर रहे हैं, जहाँ आपकी खुद की औलाद होती है तो वहाँ आपकी ख्वाहिश होती है कि मैं एक ज़रूरतमंद, मतलब एक ऑर्फन को गोद ले लूँ, उसको मतलब बनिस्बत के मैं दूसरे बच्चे की तरफ जाऊँ, मैं जो बच्चा ऑलरेडी इस दुनिया में आया हुआ है उसको एक बेहतर तरबियत दूँ, उसको अपना बच्चा बना लूँ, तो इसकी इस्लाम में क्या अहमियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहू वसल्ली अला रसूलिल करीम। देखें, बच्चा गोद लेना जायज़ है, और अगर माँ बाप पता है तो माँ बाप से इजाज़त ले, अगर माँ बाप पता नहीं है तो फिर भी ले सकता है, ठीक है, और इसके अंदर जितनी अच्छी तरबियत करेगा उतना सवाब मिलेगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ गए थे और उन्होंने उनकी तरबियत की, दूध पिलाया और बचपन में उनके पास रहे, इसका सबूत मौजूद है। इसी तरह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास भी हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ैद बिन हारिसा मौजूद थे, आप अलैहिस्सलाम ने उनकी परवरिश की, हत्ता कि उनका नाम ज़ैद इब्ने मोहम्मद के नाम से मशहूर हो गया। अगरचे अल्लाह ताला ने फरमाया ज़ैद इब्ने मोहम्मद ना कहो, इनके असल नाम से ही पुकारो, लेकिन इस तरह ले पालक की परवरिश करना सही है। बस एक चीज़ याद रखिएगा कि जो हकीकी वालिद हैं या हकीकी वालदा हैं उनकी जगह पे जो एडॉप्ट करने वाले हैं उनका नाम नहीं आएगा, सरपरस में आ जाएगा। अच्छा, क्या महरम वाला भी इशू आएगा? जैसे कि आएगा। एक भाई या एक बहन है तो वो दोनों आपस में एक्चुअली भाई बहन है कि नहीं है, मतलब ये सारे असल में ये तो आएगा कि महरम वाला ये नामहरम ही रहेंगे, महरम नहीं होंगे, इल्ला ये कि इस ऐसी उम्र में ले ले जो छोटे हों, 2-2.5 साल, फिर ये करे कि 2 साल के अंदर अपनी किसी महरम से दूध पिलवा दे। मिसाल के तौर पर बेटी लिए तो अपनी बीवी को दूध आता है तो उससे जो है वो दूध पिलवा दे, या अपनी बहन को आता है यानी बच्चे की पुप्पी बनेगी उससे दूध पिलवा दे। इस तरह अगर दूध पिलवा देगा तो महरम नामहरम का रिश्ता भी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। लेकिन ये जब होगा जबकि 2 साल के अंदर अंदर, अगर 2 साल के बाद दूध पिलवाता है तो फिर ये जायज़ ही नहीं होगा। बिल्कुल, ऑब्वियसली बिल्कुल ठीक है। मेरे पास, मेरे ख्याल से मैं आपकी कॉल्स भी लूँगी, साथ साथ कुछ सवाल के सवालात मेरे साथ यहाँ मेरे पास सामने मौजूद है। गिलानी साहब, फिर से यही सवाल आया कि दूसरे के नाम से उम्रा करना दुरुस्त है, क्या ये जायज़ है? देखिए, पहले तो हमें इबादत अपनी खुद करनी चाहिए। होता ये है कि जिस तरह भी कुर्बानी का एक मसला आपने पूछा कि ये कुर्बानी अब्बू की तरफ से कर रहा हूँ, एक कहता मैं दादा की तरफ ऐसा से कर होता रहा। आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, आप पर जो चीज़ वाजिब है ना तो उसको आपने अदा करना है। अब हमारे यहाँ एक अपने आप करने के लिए के बाद साथ दूसरों के लिए पहले आपने करना है, उसको आपने अदा करना है। हमारे ये कॉन्सेप्ट लो, ये तो अब्बू की तरफ से तो की नहीं, ये तो अपनी तरफ से करने लग गया। अच्छा। शरीयत मुतारा इस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती। शरीयत मुतारा ये कहती है कि जो चीज़ आप पर वाजिब है वो आप अदा करेंगी, जो आपकी बेटी पर वाजिब है
वो आपकी बेटी अदा करेगी। मेरा सवाल, आपने जो सवाल उठाया उसी पे सवाल है कि पहला बेसिकली मेरा फ़र्ज़ है मैं करूँ, मैंने अपना कर लिया, अब फॉर एग्जांपल दादा दादी इंतकाल कर गए तो क्या उनके सवाब के लिए मजीद मैं दो बकरे और ले लूं? उसकी सूरत है, आपने अपना कर लिया, मैं इसी तरफ आ रहा था, उसकी दो सूरत हाल हो सकती, एक ये कि आपके दादा या दादी ने या वालिद साहब या वालदा ने, अल्लाह ताला उनको उम्र खजरी दे जिनके वालिदैन जिंदा हैं, उन्होंने जाते हुए ये वसीयत कर दी कि तुमने मेरी तरफ से कुर्बानी करनी है। हाँ। तो फिर इसमें एक मसला और रिलेटेड हो जाता है, वो ये हो जाता है कि अगर वो वसीयत करके गए तो फिर इस कुर्बानी का गोश्त आप नहीं खा सकते खुद, और अगर उन्होंने वसीयत नहीं की तो आप उनकी तरफ से ऐसे कर रहे हैं इशारे सवाब के लिए, सवाब पहुंचाने के लिए, तो आप उनकी तरफ से कुर्बानी, मतलब पहुंचता है सवाब? जी हां सवाब पहुंचता है। ठीक है जी, यहां मेरे पास एक कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जनाब, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जैन बोल रहा हूँ कराची से। मेरा एक सवाल था जी, तरबियत के हवाले से बात पूछनी थी कि बच्चों की तरबियत में हम ये देखते हैं आजकल कभी कभी कोई दीनी चीज के ऊपर उनको जब फोर्स करके करने की कोशिश करते हैं तो बच्चे इंसिस्ट कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे टाइम पे क्या उनको छोड़ देना चाहिए कुछ टाइम के लिए, दोबारा रिट्राई करनी चाहिए, या फिर सख्ती से उनको अमल करने की तरबियत देनी चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती इरफान साहब हमारे साथ मौजूद है। भाई दीनी और आपा भी हमारे साथ मौजूद है, दोनों प्लीज़ आप जो भी चाहे सवाल का जवाब दें कि दीन की जब तरबियत कर रहे होते हैं, तरबियत इंपॉर्टेंट है, जब दीन की तरबियत करते हैं बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते, चिड़चिड़े होते हैं, मुश्किल होती है, तो क्या करें, सख्ती करें या बच्चों को थोड़े टाइम के लिए छोड़ दें? सबसे पहली बात ये कि बच्चों को दीन मोहम्मदी की शुरू से तलकीन करनी चाहिए, अपने बड़ों को यानी उनके वालिदैन को ऐसा अपने आप को रोल मॉडल बना के रखना चाहिए कि बच्चे उनको देखकर उनकी पैरवी करें। उसके अलावा अगर बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हों, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हों, तो थोड़ा सा उनको छोड़ भी देना चाहिए और उनके ऊपर अपने ख्यालात को नाफिज नहीं करना चाहिए, लेकिन उनको दीन शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलाना वालिदैन के फ़राइज़। बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का छोटा सा, मुख्तसर है तो कहते 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 मुख्तसर यही है कि वालिदैन से मैसेज जा रहा होता है कि वालिदैन के यहाँ बच्चे के लिए कौन सी चीज कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर स्कूल के लिए तो आप थोड़ा सा उनसे वो कर रहे होते हैं, स्कूल नहीं मिस होगा। हाँ, स्कूल नहीं मिस होगा, लेकिन दीनी तरबियत की जहाँ पे ये बात आएगी, वर्क भी मिस नहीं होगा। हाँ, होमवर्क भी मिस नहीं होगा, लेकिन जहाँ पे क्लास भी मिस नहीं होगी। हाँ, जहाँ पे इस्लामी तरबियत या दीनी अखलाकियात की बात आएगी तो वहाँ पे तो बिल्कुल जी दीन हमें सख्ती का हुक्म नहीं देता, जी बिल्कुल सब ओके है, तो इस चीज़ को भी हमें सोचने की बिल्कुल ठीक। मेरे पास भी एक बात है शेयर करने की, लेकिन क्योंकि वक्त नहीं है, हो सकता है ब्रेक के बाद में शेयर करूँ, या वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। देखते रहिए नूर रहमान इश्क रमज़ान। अक्सर जब आप लेट होते हैं ना तो आप घबराहट में होते हैं, आप परेशान होते हैं, आपको समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ, और ऐसे ही कुछ माहौल इस वक्त मेरे सेट पे हुआ हुआ है। लेकिन ये लेट नहीं है, पता नहीं क्यों परेशान हो रही है, इधर उधर इशारे कर रही है, शेफ समरीन से आपको मिलाते हैं। समरीन, वालेकुम अस्सलाम, क्या परेशानी चल रही है? कोई परेशानी नहीं चल रही, बस हाँ कसम से मुझे लग रहा है मैं अपने घर में आ गई हूँ, इधर उधर सब भाग रहे हैं जी। बस जी, हम भी भाग दौड़ मची हुई होती है, क्योंकि आपको पता है लाइव शो होता है, हमारे पास रेसिपीज थोड़ी सी ज्यादा होती हैं, तो चैलेंजिंग टास्क होता है। तो अजी आप क्या, अजी कह रही हूँ, अभी आप क्या कर रही हैं, ये धुएं क्यों निकल रहे हैं? अजी भी कह सकती हैं, आई डोंट माइंड। अजी सुनती हूँ, क्या कर रही हो? जी मैं यहाँ पर, मैंने सोचा कि थोड़ा सा हम टाइम को सेव करें और आज हम आपके लिए बना रहे हैं सबरोसो के कढ़ाई कबाब। अरे कढ़ाई कबाब नाम की भी कोई चीज़ होती है? जी बिल्कुल, ये हमारी क्रिएटेड रेसिपी है। आप लोग कढ़ाई गोश्त खाते हैं, आप लोग कबाब खाते हैं, हमने कहा दोनों को मिला के सबरोसो की रेसिपी खिलाते हैं। जरूर जरूर। अच्छा मैंने ये क्या ये पठान या पेशावर में लोग खाते हैं इस तरह के खाने? ये तो देखे मेरी, क्योंकि एक दफा मेरी सास क्या है, उन्होंने बनाया था, बड़ा वो यूँ कह रही थी, मैं यूँ थी ये क्या कहती है, वो पश्तो कह रही हूँ, पठान है। तो वो उन्होंने भी इसी तरह के सीख कबाब की कढ़ाई बनाई थी, तो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ उसी टाइप की चीज़ है, ये ग्रेवी वाले कबाब है, क्योंकि रमज़ान में ये होता है कि आपसे ना ड्राई ड्राई चीज़ें खाई नहीं जा रही होती हैं सनम, है ना, तो थोड़ा हमें ग्रेवी चाहिए होती है। अच्छा उसके लिए हम क्या करते हैं कि मैंने आज भी प्री प्रिपरेशन की हुई है। करे करे आप बातें तो करें, खामोश कैसे हो गई? बस मैंने कहा चलें जी आप आ रही हैं जब तक, फिर हम करते हैं। क्या खुशबू आ रही है, क्या क्या डाला है इसमें? अभी तो कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ टमाटर की खुशबू है, टमाटर है इसमें, और मेरे आपके हाथ के टमाटर, आपके हाथ के टमाटर की खुशबू अलग होती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल मेरे हाथ के टमाटर हैं, उसकी खुशबू है। अच्छा जी हम क्या कर रहे हैं सनम,
कि हमने टमाटर ले लिया था, उसके अंदर उसको पीस लिया था मैंने ना, ग्राइंड कर लिया था ताकि टाइम बच जाना। बिल्कुल जी बिल्कुल, इसको सेव करने के लिए किया था। और यहाँ मैं आपको दिखाती चलूँ, ये है सब्रोसो की फ्रोजन चिकन जो मैंने ली है, और उसको मैंने क्या किया है जनाब कि उसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया, क्योंकि सब्रोसो के पीसेज होते हैं ना, तो वो हमने ले लिया। उससे पहले हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ आपको उसके मसाले बता देते हैं कि हम इसके अंदर कौन कौन से मसाले डालेंगे। ठीक है, ठीक है, बता दें क्या चाहिए। फाइन, कुछ नहीं चाहिए। अच्छा जी, देखिए जी, हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले क्या है, ये हमने लिया है तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के बेसन है, आधा किलो कीमा या आधा किलो चॉप्ड जो बोटी होती है उसके साथ। ये मैंने भून लिया था तवे पे, कुछ नहीं डाला था, ऐसे ही ड्राई रोस्ट किया इसको मैंने। ठीक हो गया। इसके साथ मैं थोड़ा सा बिल्कुल इसके अंदर गरम मसाला तकरीबन 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ। ठीक हो गया। फिर उसके साथ मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून ये कुटी हुई लाल मिर्च है हमारे पास, मैंने वो डाल दी। ठीक हो गया। उसके साथ फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट डाला। सॉल्ट के साथ फिर मैंने इसके साथ क्या किया, थोड़ा सा बिल्कुल मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास, मैं वो डाल रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून समझ लीजिए, राइट, मैंने ये डाला है। और इसके साथ अब इसका जो सीक्रेट इन्ग्रीडियंट है थोड़ा सा इसमें ऐड कर रही हूँ, ये है ज़ीरा और साबुत धनिया, उसको ड्राई रोस्ट किया मैंने और उसको पीस लिया, ये मैं डाल रही हूँ तकरीबन थोड़ा सा। ठीक हो गया। ये लेके अब मैंने क्या किया जनाब, इसके अंदर मैंने डाल दी तकरीबन आप समझ लें कि 2 हरी मिर्चें जाएंगी, थोड़ा सा हमारा इसके अंदर धनिया जाएगा, और ये मैंने इसके साथ इसको चॉप कर लिया था। ठीक है, ठीक है। चॉप करने के बाद फिर मैंने इसके बना लिए थे कबाब्स जो हमारे पास रेडी हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, एक सेकंड प्लीज। ये आपने इसको छोटे छोटे पीसेस किए, अब आपने इसको इन दोनों को मिला के मिला लेती हूं सामने। और एक हमारे पास ये है ब्रेड स्लाइस। ठीक हो गया, ये सब यूं जाएगा एक बिल्कुल साथ, बिल्कुल डाल दीजिए इसके अंदर, बिल्कुल डाल दें, ये सब एक साथ जाएगा, चला गया। और ये ब्रेड स्लाइस मिक्स करेंगे, इसको मैंने पानी में डिप कर लिया था, थोड़ा सा सॉफ्ट कर लिया था, और करने के बाद हमने ये किया बस। मिक्स करने के बाद अब उसमें डालेंगे ग्राइंडर में, ये पीछे रखा है चॉपर, चॉपर में डालेंगे और फिर कबाब बना कीमा बना के कबाब। ठीक है, कबाब फिर कबाब ये रहे हमारे जनाब। अरे वाह, तो बड़ा आसान है कबाब बनाना। बिल्कुल ठीक जनाब, ये हमारे पास कबाब रेडी है। अच्छा जी, अब हमने क्या किया है कि हमने यही जो टमाटर थे, अब इसका हमने थोड़ा सा फ्लेम हम करेंगे हाई, और इसके अंदर हमारा जो बचा हुआ लहसुन अदरक था हम वो ऐड कर देंगे। ओके, ठीक है जी, ये हमने डाल दिया। अच्छा, लहसुन अदरक बाद में जा रहा है। मैं क्या करती थी कि अब कभी मुझे लगता था कि लहसुन कम हो गया तो अलग से मैं पहले लाल करती थी फिर उसमें डालती थी, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी अभी हम इसको पका रहे हैं हो रहा है तो साथ साथ हो जाएगा। बिल्कुल वैसे तरीका यही होता है, जब भी गोश्त की कोई भी आप डिश बनाते हैं तो पहले आप लहसुन जो है उसको थोड़ा सा ब्राउन करते हैं, उसकी खुशबू आती है, फिर आप उसके अंदर गोश्त डाल के भूनते हैं। लेकिन कबाब हम भून नहीं सकते सनम यहाँ। हाँ, जाहिर सी बात है। ठीक हो गया। भाई आपका कुछ पता नहीं, आप सब भून देंगी। सोच ले। मुझे भी नहीं ओके जी, क्या सीन है, कैसे भून सकती हूँ। अच्छा जी, हमने ये लहसुन डाल के थोड़ा सा हमने वेट किया था। अब हम क्या करें कि अब हम इसके अंदर जो है ना, ये हमारे पास है कुटी लाल मिर्च, ये तकरीबन हमने 1 टीस्पून हमने डाल दिया, या एज पर योर टेस्ट आप ऐड करेंगे। हर चीज़ को डालने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए रुका करें ताकि उसका टेस्ट अच्छी तरह उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाए। ठीक है, वो रुक जाएंगे, मैं नहीं रुक सकती ना। बिल्कुल ठीक है जी, हम फौरन डाल रहे हैं। थोड़ा सा नमक डाला हमने, हसबे जायका, मैंने डाला है यहाँ 1 टीस्पून। ठीक है, इसको हम अच्छी तरीके से एनीथिंग एल्स। बिल्कुल जी, और हमारा ये जो मसाला था ज़ीरा और साबुत धनिया, इसको मैंने भून के पीसा था, अब मैं इसमें से आधा तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने अभी डाला है, थोड़ा सा मैंने इसको बचाया। ठीक हो गया, ये हम भूनेंगे बस। ये बहुत आसान सी रेसिपी है सनम, तो अच्छी आ रही है, है ना, ये डालते ही ये तो मेरा मैजिक इंग्रेडिएंट है। तो उसको हम अलग से फ्राई करेंगे कबाबों को, ऐसे ही डालेंगे? Really? हाँ, ऐसे ही डालेंगे बस। इसको हम थोड़ा सा बस भुनने का वेट करें, ये थोड़ा सा भुन जाएगा और फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। हरी मिर्च नहीं डालेंगे हम अभी, नहीं वो एंड में सही, क्यों आखिर में क्यों डालते हैं, ताकि आखिर में मैं, अच्छा मैं एक काम ये करती हूँ, अभी ये जरा सा भुन जाएगा ना तो मैं थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्च डालूंगी। हरी मिर्च आखिर में डालते हैं इसलिए हैं ताकि उसका कलर खराब ना हो। अच्छा। क्योंकि अभी आप बनाएंगे तो वो थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगी, इसमें ऑयल भी है क्योंकि ताकि फ्रेश भी। एग्जैक्टली, अगर 8 डालनी है तो 4 इस टाइम डालेंगे और 4 बाद में। ठीक है, सही। अब हम इसमें क्या करें, 2-4 लाइक अदरक मोटे मोटे खुशबू के लिए, हल्का सा टेस्ट। बिल्कुल जी, टेस्ट एंड खुशबू दोनों। और उसके बाद हमने इसके अंदर डाला ये हमारा 2 अदद हरी मिर्चें। अब हम क्या करें, अब हम इसके अंदर थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे। ओके, रीजन जितनी आपको ग्रेवी रखनी। अच्छा अच्छा, जितनी ग्रेवी रखनी है, मुझे थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा रखना है। इसके साथ रोटी या चावल, दोनों चल सकते हैं, लेकिन यूजुअली इसके साथ चपाती बहुत अच्छी लगती है। चपाती या बिना पराठा बना सकते हैं इसके साथ ना। ठीक है जी, ये हो गया। और इसके साथ अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा
केचप। केचप क्यों डालते हैं? एक तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा केचप से, और दूसरा आपको पता है सनम, इसका कलर बिल्कुल रेड हो जाएगा। Excellent. जो हमें रेड कलर चाहिए होता है। तो आपको पता है सब्रोसो जो है वो हमारा ट्रेडिशनल टेस्ट हमें प्रोवाइड करता है, और इसके साथ साथ हमें हेल्दी एंड हाइजेनिक बिल्कुल साफ सुथरी चिकन देता है। तो हमने क्या किया जनाब, वही वाली चिकन का ये हमने बनाए थे कबाब यहाँ पर, ठीक और है? अब कबाब डालने की ज़रूरत है। बिल्कुल जी, कबाब डालने की ज़रूरत है। ये थोड़े से डी शेप इसलिए हो गए हैं, यहाँ मैं पानी लूँगी थोड़ा सा। हाँ, देखिए आप इसको बना कर ना थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में रख लिया करें, तो आपको शेप उसका बरकरार है, शेप बरकरार है और अच्छी सी शेप आ जाएगी। यहाँ थोड़ा सा मैं इसको रीशेप कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़े डी शेप हो गए। आपको किसने सिखाया खाना बनाना? मैं एक्चुअली मेरी डिग्री है फूड न्यूट्रिशन की, तो उसमें होटल मैनेजमेंट। यस, तो आपका इंटरेस्ट था हमेशा से? बिल्कुल, मुझसे ज़्यादा मेरे फादर का था। अच्छा। तो क्योंकि मैं बचपन से ही मुझे था कि मैं कुछ क्रिएटिव करूं, तो मैंने पूरा 6 ईयर्स लगाए हैं, 6 साल पढ़ा है, हर एक चीज के बारे में डिटेल आपको पता है। मील मैनेजमेंट, थेरेपेटिक डाइट, फूड न्यूट्रिशन, होटल होस्टिंग का भी कोई कोर्स किया? नहीं, बातें करने का भी कोई कोर्स किया है? बातें बनाने का भी कोई कोर्स किया? ओके जी, जबरदस्त। कहने में ये कॉम्प्लीमेंट था? था तो। ओके जी, वेरी नाइस। वैसे बड़े अच्छे आपने कबाब बनाया। मैं देखो, ये देखिए यहाँ से साइड से इसको इस तरह बैलेंस कर लें, और आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसको थोड़ा सा फ्रीजर में डाल देंगे। अच्छा। तो ये करके, और आपने जब कबाब डाले ना, तो प्लीज आपने स्पून इसमें नहीं चलाना बिल्कुल भी, क्योंकि स्पून अगर आपने चलाया तो ये टूट जाएंगे। और इसमें आप ये सोचेंगे ये टूट क्यों नहीं रहे, हमने तो इसमें एग ही नहीं डाला। तो जनाब यहाँ पे ब्रेड एंड बेसन दोनों बाइंडिंग एजेंट का काम करते हैं, दोनों उसको जोड़ के रखेंगे। ठीक हो गया जनाब, ये हमने डाला, और ये डालने के बाद आपने इसको थोड़ा सा ना ऐसे करके घुमाना है। क्या करके घुमाना है? आई मीन थोड़ा सा अंडर एंड ओवर। मैं थोड़ा स्पून चला रही हूँ, आप नहीं चलाइएगा बिल्कुल। नहीं, आप नहीं, मैं ऑडियंस को बता रही हूँ। ठीक है जी, मैं अंडर एंड ओवर हमने इसकी जो ग्रेवी है ना वो कबाब के ऊपर डालनी है, और बस इसको ढकना है 10 मिनट। ठीक है जी, अब आप क्या कहते हैं, हाथ अपने साथ धो ले साफ कर ले कबाबों को। बिल्कुल जी, हमने यहाँ पे कबाब बनाए हैं तो ऑब्वियसली मेरे हाथ हो चुके हैं गंदे। मैं आ गई हूँ अपने डिटॉल के काउंटर पर, और जनाब हम आ गए हैं अपना डिटॉल यूज़ करने, जो हमें 99.9% जरासीम का खात्मा करता है, और इसका मैंथॉल बर्स्ट हमें रखता है 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कूल। देखें अभी जैसे मैं कूल फील कर रही हूँ किचन से यहाँ आने के बाद, तो आप लोग भी किचन में जाने से पहले, इवन किचन से काम करने के बाद डिटॉल ज़रूर यूज़ कीजिए। और बिल्कुल ठीक इसके साथ आप इधर आ जाएं, क्योंकि हम कॉम्बिनेशन है ना जूप का एंड डिटॉल का। बस अब हम सिर्फ जूप की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इतना एब्जॉर्ब, सुपर एब्जॉर्बेंट टिश्यू पेपर है, एंड उस दिन जो आपने मुझे बताया था ना 260 कैलोरीज, मैं तो बिल्कुल हैरान रह गई कि इसके अंदर एक्चुअली मेंशन भी हुआ था यहाँ 260 कैलोरीज, दैट इज़ अमेजिंग। तो अगर आप कोई चीज़ फ्राई कर रहे हैं उसके बाद ज़रूर इसको किचन टावल के ऊपर रखें ताकि उसका एक्सेस ऑयल निकल आए। अच्छा, अब साथ साथ हम बढ़ते हैं, अगली हमारी रेसिपी क्या है? अगली हमारी रेसिपी जो है वो हम बना रहे हैं जनाब रिफान का कस्टर्ड। मैं चाहूंगी इसको मैं पहले कवर कर दूं ताकि हमारी जो स्टीम जो है ना वो ना निकले। राइट, ये कवर नहीं हो सकता, छोड़ नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, इट्स ओके, लाइव शो है, आगे बढ़े अच्छा जी, बहुत जरूरी। हमारे पास यहाँ पे दूध जो है मैंने पहले से बॉईल करके रखा हुआ है। अब हम आ गए हैं जनाब रिफान के कस्टर्ड की तरफ। आज हम रिफान में बड़ी जबरदस्त सी रेसिपी बना रहे हैं सनम। हम बना रहे हैं रस की ट्रीट। यार ये वाले रस मुझे बड़े पसंद है ना, ये बहुत मजे के होते हैं, ये वाले चाय में डुबो के, बगैर चाय में डुबो के, हर तरह से इतने मजेदार होते हैं जी, बहुत मजेदार होते हैं। अच्छा जी, इसके साथ साथ हम क्या करें, मैं क्विक रेसिपी आपने देनी है मुझे, बहुत क्विक है। क्या कर रही हैं आप? मैं बस इसको बोल को खाली कर रही थी, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर थोड़ा सा दूध अलग करके रखा हुआ है जब तक यहाँ पे हम कस्टर्ड बनाएंगे। उससे पहले ये आ गई जनाब हमारे पास क्रीम, और मुझे एक स्पून चाहिए होगा। सही जी, स्पून ये रहे सारे के सारे छोटे वाले, इट्स ओके, स्पून ला दो प्लीज, जल्दी से स्पून ले आओ बेटा, जल्दी से। अच्छा, अभी जब तक ये हमारा जो है ना ये बॉईल हो रहा है, तब तक हम क्या करें, आज हम रिफान का वेनिला कस्टर्ड जो है वो यूज करना है। जिसे पैर मार रही है, पांव पे चढ़ रही है ये। तो इसलिए जनाब हम दोनों ही जानते हैं कि हम यहाँ किचन काउंटर पे किस तरह काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा जी, हमने यहाँ पे तकरीबन, देखिए मुझे तो आइडिया है, आप ये जो है आधा, अगर आपको लीटर दूध है आपके पास तो उसके अंदर तकरीबन आपके 4 टेबल स्पून ऑफ कस्टर्ड जाएंगे। ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, मुझे उसको एक मिनट है मेरे पास बस। ठीक है, हम ये ब्रेक पे करेंगे ना। देखिए ये दूध जैसे ही बॉयल होगा मैं इसके अंदर ये कस्टर्ड ऐड करूँगी,
पहले मैंने इसके अंदर शुगर और मिल्क करके रखा है। अब हम दूसरा काम क्या कर रहे हैं जनाब, ये हमारे पास दूध है, दूध के अंदर मैंने यहाँ पे कॉफ़ी पाउडर लिया है, ठीक है, कॉफ़ी पाउडर मैंने इसके अंदर मिक्स किया, ठीक हो गया जनाब। इसको थोड़ा सा अगर आपको स्वीट पसंद है तो इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे आप, और उसके बआद जा सकते हैं हम ब्रेक पे, नो इशू। ये नहीं, नहीं आप करें, या आप इसको हम जो है ना इसमें डिप करते जा रहे हैं, और यहाँ पे डिप करके हम इसकी लेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, कोई बात नहीं, इट्स ओके, ओके, ठीक है जी, ये सब हो गया, यहाँ तबाही मच गई है, मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, बड़ी तहमुल के साथ ब्रेक पे चलते नूरे रहमान इश्क रमज़ान में खुश आमदीद जी। नाज़रीन आप देख रहे हैं कि किस तरह समरीन ने ज़बरदस्त कबाब तैयार किया, और यहाँ इसकी प्रेजेंटेशन भी है, और दिस इज़ सो क्यूट, ये देखें क्या दिख रहा है, शॉट बन चुका है कबाबों का, क्या ज़बरदस्त, कौन ऐसे कबाब नहीं खाएगा, और कितना अच्छी तरह फूले हैं ये, जी बिल्कुल, है ना, लुक्स लग, बड़ा टर्किश टाइप लग रहा है, लेकिन ये है पाकिस्तानी, प्योर पाकिस्तानी बिल्कुल। और अब हम ब्रेक पे जाने से पहले थोड़ा डिजास्टर हो गया था, लेकिन डिजास्टर हमने हैंडल किया जी। ये बताएं कि ब्रेक पे जाने से पहले रिकैप दें, रस्क मुझे इतना याद है कि रस्क आप लाई थी, जो केक रस्क होता है, और आपने फिर कॉफी के साथ कुछ किया था, डिबोया था उसको, बिल्कुल जी। कॉफी बना लें, जैसे आप नॉर्मल कॉफी बनाते हैं, फेंटने की जरूरत नहीं, कॉफी चीनी एंड मिल्क उसको पका लें, ठंडा कर लें, ठंडा करने के बाद उसकी ये पोजिशन हो जाएगी। इसके बाद आपने रस्क डिप किया, और जो आपकी सर्विंग डिश है डायरेक्टली आप उसके अंदर इसको लगा देंगे, ठीक है, आपने रस्क और फिर ऊपर से हल्की हल्की कॉफी, अरे क्या टेस्ट आएगा ना, हल्की सी चीनी भी इस पर रखी हुई है मैंने, बिल्कुल चीनी इसलिए क्योंकि मैंने थोड़ी सी, मुझे लग रहा था कि कम है चीनी, टेस्ट नहीं किया था, प्रॉमिस टेस्ट नहीं किया था, आइडिया से मुझे लग रहा था, सही है, आप अगर चीनी उसमें करें तो अच्छा है, वो गुड़ जाएगी, बिल्कुल जी, और ये जो बचा हुआ है ना आपका कॉफी मिक्सचर, ये भी डाल दें ताकि, अच्छा अब जो हमने कस्टर्ड बनाया है उसका क्या करेंगे, अच्छा कस्टर्ड का एक और आपको अच्छी सी टिप दूं, वैसे तो रफान के अपने फ्लेवर्स आर वेरी अमेजिंग, लेकिन फिर भी आप फर्दर इसको इनहेंस करने के लिए आप इसके अंदर एक अदद इलायची डाल सकते हैं जब आप बना रहे हैं, राइट, और ये इसके ऊपर आप इसकी लेयरिंग कर दीजिए कस्टर्ड की, ठीक है, अच्छी तरीके से, अच्छा अगर आपकी बड़ी डिश है तो आप इसको रिपीट कर सकते हैं लेयर को, राइट, अच्छा, हाँ, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए आपको ऑब्वियसली थोड़ा सा उसको रेस्ट देना पड़ेगा ताकि ये जो है हमारा फिक्स हो जाए, राइट, ये हो गया, और ये करने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा लेंगे जल्दी से ज़ूप, क्योंकि क्लीनिंग पार्टनर भी है हमारा ज़ूप, तो ये हमें जल्दी से क्लीन अप भी कर देता है चीज़ों को, हमारे डिशेस को, राइट, ये हो गया। अब मैंने क्या किया था जनाब, ये कॉफ़ी एंड क्रीम है, कॉफ़ी एंड क्रीम को मैं ऊपर थोड़ा सा ऐसे ही एब्स्ट्रैक्ट में मैं इसको डाल दूंगी, वेरी नाइस, हां राइट, टेस्ट भी अच्छा आएगा, आप ये देखिए ना वैनिला एंड कॉफी, देखिए डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो है, लेकिन हमेशा ये याद रखें जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करें थोड़ी चीज पे ताकि आपकी खराब ना हो। अब इसको आपने इस तरीके से, अब ये कुछ नया, ओके, इस तरीके से आप कर दें, और आप इसको थोड़ा सा घुमा लें तो आप इस तरह कर लें, तो ये देखें ये आपके पैटर्न्स बन जाएंगे ऑटोमेटिकली, इट लुक्स वेरी नाइस, थैंक यू। तो ये जनाब हमारी, अरे रुको ना, शॉर्ट तो बनने दो, इतना प्यारा पैटर्न जो तुमने इधर उधर करके पता नहीं बनाया है, कितना अच्छा लग रहा है, लुक्स सो नाइस, लवली, और कोई काम रह गया आपका? नहीं, बस अब हम जा रहे हैं अपने टैंक के काउंटर की तरफ, अच्छा अभी भी कुछ रहता है, मुझे लग रहा है इधर से मैं फरार होने जा रही हूँ, ठीक है जी, कल तो आपने दूध और टैंक साथ में बनाया था, आज देखते हैं आप क्या बना रही है, मैं जा रही हूँ अपनी सेट की तरफ, एंड द किचन इज ओवर टू यू, प्लीज बनाइए दिखाएं जी। देखिए ये हमारे पास, आज हमारे पास है मैंगो टैंक, तो आज भी हम क्या कर रहे हैं जनाब, हम दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने इसमें तकरीबन एक गिलास दूध डाला था, एक गिलास दूध के साथ में अच्छी क्वान्टिटी में तकरीबन 2-3 टेबल स्पून में इसके अंदर जो है मैंगो टैंक ऐड कर रही हूँ, ठीक है जी, और जब आप इसको सर्विंग टाइम पे करें तो इसके अंदर बर्फ जरूर ऐड कीजिएगा, वो एक अच्छा सा ना स्लशी सा और बड़ा यमी सा फ्लेवर आएगा। और आज तो मेरे ख्याल से इन्होंने टैंग रेड वाले ऑरेंज वाला इस्तेमाल किया है, आज हमने मैंगो यूज किया है, मैंगो टैंक है, और मैंगो टैंक के साथ जनाब ये हम बना रहे हैं जबरदस्त सा मैंगो शेक है बेसिकली, ये देखें जबरदस्त, और अभी देखें सनम अभी हम इसके साथ और मजीद क्या करने वाले हैं, बिल्कुल जी, ये हमारे पास है आइसक्रीम, राइट, ये वेनिला का हमने इसके साथ कॉम्बिनेशन किया है, अच्छा जो भी आप बनाती है ना सुमैर अशरफी ऐसे गौर से देख रहे होते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ से वो जाती है, अब बीवी से फरमाइश करना शुरू कर, अब आज ये होगा, थैंक यू जी, और ये शौक से आपके खाने इफ्तारी में खाते हैं, बहुत शुक्रिया सुमैर साहब, थैंक यू। तो ये हमारा जो है ये हमने बनाया है आज मैंगो आइसक्रीम शेक बनाया है टैंक से, बहुत बहुत शुक्रिया, अब आपसे गुजारिश है कि जरा रूह अफजा की तरफ भी बढ़े, बिल्कुल जी बिल्कुल, क्यों नहीं, और रूह अफजा में भी आज हमारे पास बहुत ही मज़ेदार सी एक रेसिपी मौजूद है, आज हम बना रहे हैं जनाब कस्टर्ड शरबत, कस्टर्ड शरबत क्या होता है भाई, कस्टर्ड शरबत सोचे सनम, कस्टर्ड शरबत हम बनाने वाले हैं,
ठीक है जी। हमने यहाँ पे ले लिया है किसी भी फ्लेवर का, आप कस्टर्ड ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे इस वक्त जो है ये मैंगो फ्लेवर का कस्टर्ड लिया है, आप इसमें स्ट्रॉबेरी, वैनिला, वट एवर यू लाइक आप वो ले सकते हैं, आप वो ऐड करेंगे। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देख रहे हैं आप लोग, ये रनी रनी है क्योंकि ये शरबत है, दिस इज नॉट कस्टर्ड, राइट। तो आपने इस तरह से रखना है। इसके अंदर जनाब थोड़ी सी जेली मैंने देखी, ये भी रनी रनी सी रखी है मैंने, बहुत ज्यादा नहीं। ये हम ऐड करेंगे, मेरे पास यहाँ पे ये है ऑरेंज जेली, राइट, ये मैंने ऑरेंज जेली इसके अंदर ऐड कर दी, मिक्स कर लिया, राइट, मिक्स की। और ये मैंने थोड़ी सी क्या किया है कि ये मैंने थिक जैसे होती है सॉलिड, इस कलर की जेली मैंने देखी नहीं कभी हमारे घर में, इस कलर की आई नहीं, कितनी अच्छी लग रही है, ब्लूबेरी बहुत अच्छी लग रही है, ये हमेशा ग्रीन और रेड, वही ना मैंने कहा थोड़ा डिफरेंट कॉम्बो होना चाहिए, राइट। अभी देखिए येलो एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन, ये ब्लू है और देखिए मैंने इसके पीसेस कट किए, मैंने ये ऐड किया इसके साथ, फिर हमने इसके अंदर जो है तुख मलंगा ऐड किया, ठीक है। और जनाब ये है हमारा साबुदाना, वेरी नाइस, वेरी एनर्जेटिक, ये हमने ऐड किया। और सबसे मेन इंग्रेडिएंट हमारा अब जाएगा जो इसके कलर को कर देगा चेंज, मैंने इसीलिए इसमें जो है वो रेड कलर यूज नहीं किया था, अब हम डाल रहे हैं अपना रू अफजा। हाँ, मेरे पास सिर्फ है 20 सेकंड, बस हो गया जनाब खत्म। अब देखें जैसे ही मैंने बोला इसके हाथ तेजी से चलने लगे, ये हो गया जनाब। और अब रोजे के पहले, रोजे से पहले का वक्त है और पहले तो अजान से पहले सायरन की भी आवाज आती थी ना, पहले अब पता नहीं क्यों नहीं आती, ठीक हो गया जनाब, ये हमारा तैयार हो चुका है, ठीक है। और दिस इज इट, आप इसको जब सर्व करेंगे डेफिनेटली आप इसके अंदर जो है वो डालेंगे, बर्फ डालेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको रनी सब कुछ रखा है, ये क्यों नहीं साइडों पे लगा, ये बिल्कुल लगाने का है ना, हम जल्दी से ले लें, मैं आपको कुछ सेकंड दे रही हूँ। तो रू अफजा के बारे में सब लोग जानते हैं कि इतने अरसे से लोग रू अफजा अपनी टेबल पे खाते आ रहे हैं, पीते आ रहे हैं कभी, और अब तो इन्होंने दिखा दिया खाएं भी कैसे रू अफजा को, खाने का मैंने प्रॉमिस, देखे सना मैं अपना प्रॉमिस नहीं ब्रेक करती ना, बिल्कुल। ये देखें जनाब, ये हमारे जो है लास्ट में, ठीक है, आखरी। ये इसके बगैर तो आपको पता है ना मेरी तो बात ही नहीं होती है ना इन चीजों के, बिल्कुल ठीक है। इसके साथ यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, एक और नई रेसिपी रू अफजा ने आपको बताई है, जरूर ट्राई कीजिए, हमें फीडबैक भी दीजिएगा। यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए नूरुल रहमान इश्क रमजान। से अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँ थक जाएंगे, जैसे ही सब्ज गुंबद नजर आएगा, बंदगी करीना बदल जाएगा, सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही आँखों से सजदे टपक जाएंगे, हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे, जाके वापस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे, के लिए दा
आस्तान सफर मुझ को यूं मत सोना, दिल तड़प जाएगा बात बढ़ जाएगी, मेरे मोहतात आंसू लपक जाएंगे। अल्लाह नूर रहमान इश्क रमज़ान में खुश आमदीद। वक्त तेज़ी से दौड़ रहा हो, यकीनन बच्चे हमारे सामने इंतज़ार कर रहे हैं सेगमेंट हिकायत अंबिया का, तो बढ़ते हैं हिकायत अंबिया की तरफ। जनाब हिकायत अंबिया में हमारे साथ मौजूद है मौलाना मोहम्मद अदील साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मौलाना साहब आज हम कौन सा वाकया सुना रहे हैं बच्चों को? आज हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वाकया सुनाएंगे। ज़रूर। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वाकया चूँकि दो दिनों से चल रहा है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दौर है इन दोनों के दरमियान 600 साल का फासला है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं 600 साल के अरसे बाद। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम में बहुत सारे मुआजज़ात दिखाए थे। उनके पास कोई भी मरीज़ आता, कोई नाबीना आता, जो बचपन से नाबीना बच्चे होते हैं, नाबीना लोग होते हैं, तो वो अल्लाह से दुआ करते, उनकी आंखों पे हाथ फेरते, वो नाबीना बिल्कुल ठीक हो जाता, जैसे उसकी आंखें ख़राब हुई ना हो। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जब कोई मरीज़ आता, कोई लंगड़ा आता, कोई ऐसे मर्ज जैसे आजकल कैंसर मर्ज़ है जो लाइलाज थे पहले, अब तो उसका इलाज आ गया, इस तरह कैंसर जैसे मरीज़ जैसा भी मरीज़ उनके पास आ जाता, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस मर्ज़ के ऊपर हाथ लगाते, अल्लाह से दुआ करते, वो मरीज़ ठीक हो जाता। तो लोगों में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शोहरत बहुत फैल गई। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो उनके ऊपर ईमान लाया था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जो लोग मिल गए थे उनसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप 30 रोज़े रखें। कितने रोज़े रखें? 30 रोज़े। जब उन लोगों ने 30 रोज़े रखे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने 30 रोज़े रखने के बाद ईसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप अल्लाह से दरख्वास्त करें, अल्लाह हमें खाना खिलाए, अल्लाह हमारी दावत करे, अल्लाह हमें खाना खिलाए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम यकीन नहीं रखते कि अल्लाह पर, तुम कैसी बात कर रहे हो? तो उन्होंने कहा बस हमारी ख्वाहिश है कि हमारे लिए आसमान से खाना है, हम वो उसमें से खाएँ। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि चलो ठीक है। उन्होंने वुज़ू किया, दो रकात नमाज पढ़ी, अल्लाह से दुआ की, तो अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कहा ठीक है मैं खाना भेजूंगा, लेकिन इसकी नाशुक्री नहीं करनी, अगर इसकी नाशुक्री की तो फिर अज़ाब में मुबतला हो जाएंगे लोग। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बोला ठीक, लोगों को समझाया कि खाना तो आएगा लेकिन नाशुक्री नहीं करना। अल्लाह ताला ने आसमान से खाना भेजा, एक ट्रे की शक्ल में खाना आया, ट्रे के अंदर खाना आया और उसके ऊपर एक रुमाल लगा हुआ था। जब लोगों ने अल्लाह की कुदरत देखी, बहुत हैरान हुए कि अल्लाह ने उनके लिए खाना भेजा है, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों से कहा हाँ रुमाल उठाओ और खाओ। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लोगों ने कहा कि रुमाल आप हटाएं, क्योंकि आप अल्लाह के नबी हैं, आप रुमाल हटाएं ताकि ये शर्फ़ आप हासिल करें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने रुमाल हटाया तो उसके अंदर गोश्त था, ट्रे के अंदर रोटियां थी, फल थे, और उस खाने की ऐसी खुशबू थी, वो खुशबू आज तक उन लोगों ने नहीं सूंघी थी, इतनी प्यारी खुशबू थी उस खाने की। रिवायत में आता है कि उसके अंदर मछलियाँ भी थी, गोश्त भी था, मक्खन भी था, देसी घी भी लगा हुआ था रोटी पर। अल्लाह ने बहुत बेहतरीन खाना बनाकर इन लोगों के लिए भेजा, इनका इकराम किया। ये लोग क्या करते, इन लोगों ने कहा कि आप, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा कि पहले हम नहीं खाएंगे, पहले आप खाओ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पता नहीं इसमें क्या हो, पहले आप खाओ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर क्या किया, बोला जो बीमार लोग हैं ना, जो इस मजमे में बीमार लोग हैं, जिनको जो ऐसी बीमारियाँ जो जिनसे इलाज करवा कर थक गए हैं, पहले वो बीमार और फ़कीर लोग ये खाना खाएँ, जब बीमार और फकीर लोगों ने खाना खाया तो सब के सब अल्लाह के हुक्म से सही हो गए, खाना खा सब के सब सही हो गए। तो फिर वो जो लोग थे वो बड़ा हैरान हुए, काश हम पहले खा लेते, हमें बरकतें मिल जाती। तो फिर ऐसा हुआ कि लोगों ने इस खाने को स्टोर करना शुरू कर दिया, अपने पास सेव करना शुरू कर दिया। एक दिन फिर खाना एक दिन आता और एक दिन ना आता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों से कहा इस खाने को नहीं रखो, रोज़ अल्लाह ताला दे रहे हैं तो आप इसको जमा नहीं करो। उन लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी तो फिर अल्लाह ने उनके साथ क्या अजाब लाया पता है, अल्लाह ताला ने उनको खिंजीर बना दिया,
पिग बना दिया, पिग और बंदर। तो इसलिए अल्लाह ताला की जो बात नहीं मानते उन पर अल्लाह ताला बहुत अजाब भी लाते हैं। और खाना जब आया था ट्रे में आया था, ट्रे ढकी हुई थी ना, तो इससे क्या मिलता है कि जब भी खाना किसी के सामने पेश करें तो उसको ढक कर उसके ऊपर कपड़ा रख कर दें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ बच्चों ने इतने गौर से वाक्या सुना और आप सब बच्चों के लिए मेट्रो फूड्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है। जी हाँ, ये मज़े मज़े के चिप्स आप लोग जाके इफ्तारी के बाद खाइएगा और यहाँ दो बच्चे आ जाए और बाकी के ये जो गिफ्ट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे मेट्रो फूड्स की तरफ से। कौन आएगा? हाँ, रेड फ्रॉक के ग्रीन, जी जी आ जाए आ जाए, दो दो बच्चे आ जाए जाए बिल्कुल सही और इसको डिस्ट्रीब्यूट करें। इसके साथ मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ वलीद हसन। आपसे मेरे पास टाइम है, अच्छा मेरे पास वक्त नहीं है, हम वापस आएंगे। सुमैर अशरफी हमारे साथ मौजूद है, हाफिज़ वलीद हसन भी मौजूद है। मैं जाऊंगी इस वक्त ब्रेक पे, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगी। देखते रहिए नूर रहमान इश्क रमजान। नूर रहमान इश्क रमजान में खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, वक्त कम रह गया और इंशाल्लाह आज तमाम मुसलमान अपना 25वां रोज़ा इफ्तार करेंगे, आमीन इंशाल्लाह। और अब मुझे सुकून है कि मेरे साथ मेरे मेहमान यहाँ मौजूद हैं और जल्दी में भागना दौड़ना नहीं है मुझे। आज मैं अपने तमाम स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, सेवन अप, पेप्सी, जाम शीरीन और जितने भी स्पॉन्सर्स, बिनोरिया रेस्टोरेंट जिन्होंने हमारा साथ दिया, आज की ट्रांसमिशन मुमकिन बनाई और ख़ूबसूरत दस्तरखान सजाया। मेरे साथ हाफिज़ वलीद हसन मौजूद हैं, एक बड़ी ही खूबसूरत दुआया कलाम है जो मुझे बहुत पसंद है और जिसको जुनेद जमशेद साहब ने भी पढ़ा था, और इलाही तेरी चौकट पर। और अभी ब्रेक में भी आप ये सुना रहे थे तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि तमाम देखने वालों को भी आप ये कलाम सुनाएं। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सराफा फ़क्र इज़्ज़त दामत साथ लाया हूँ। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सराफा फ़क्र इज़्ज़त दामत साथ लाया हूँ। भिखारी वो के जिसके पास झोली है न प्याला है, भिखारी वो जिसे सुहावस ने मार डाला है, मता है दीन दानिश नफ्स के हाथों से लुटवा कर, सुकून है कल्ब की दौलत है बस की भीट चढ़वा कर, लुटा कर सारी पूंजी गफलतों इसी आंखी दल दल में सहारा लेने आया हूँ। तेरे काबे के आंचल में गुनाहों की लिपट से कायनाते कल्ब अफसरदा, इरादे है मुज़म्मेह हिम्मत शिकस्ता हौसले मर्दा, कहाँ से नाम ताकत दिल की सच्ची तर्जुमानी की, के किस झंझाल में गुजरी है घड़ियाँ ज़िंदगानी की, खुलासा है ये के बस जल भुन के अपनी रोसियानी से, सराफा फ़ख्र बन कर अपनी हालत की तबाही से, तेरे दरबार में लाया हूँ अपनी अब ज़बूहाली, तेरी चौखट के लायक है अमल से हाथ है खाली, ये तेरा घर है तेरे मेहर का दर
ترجمانی پر خدایا رحم میری اس زبان بے زبانی پر الہی تیری چوکٹ پر بھکاری بن کے सुभान अल्लाह, बहुत बहुत खूबसूरती से कलाम आपने पेश किया। गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद है। गिलानी साहब, ये जो वक्त है इसकी अहमियत और फिर रोज़ा, एक मुसलमान ने रोज़ा रखा है सुबह से भूखा प्यासा और इस उसमें उम्मीद में रखा कि मुझे सवाब मिलेगा, और अब ये जो वक्त है तमाम जो मुसलमान अपना हाथ उठाकर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगते हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दुआ की दरख्वास्त के लिए। दुआ कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما يا رب العالمين يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا محل المشكلات يا شافي الامراض يا شافي الامراض يا شافي الامراض يا مسبب الاسباب يا مسبب الاسباب يا مسبب الاسباب يا ذا الجلال والاكرام اے ہمارے پاک پروردگار اے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے رب اے تمام انبیاء کرام کے پروردگار تیری بارگاہ میں تیری ہی عزت اور تیرے ہی جلال کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے دست سوال دراز کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رب العالمین ہمارے آج کے اور گزشتہ تمام روزوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے یا رب العالمین یا ارحم الراحمین جتنی عبادات ریاضات مجاہدات مراقبات مشاہدات جو بھی تیری رضا کے کام کر سکے اے پاک پروردگار ان کی غلطیوں کو معاف فرما اور انہیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین آج ہمارے والدین ہماری دعاؤں کے منتظر ہیں ہماری بلاؤں کے منتظر ہیں ہماری معاونت کے منتظر ہیں پاک پروردگار ہمارے والدین اگر حیات ہیں یا دنیا سے رخصت ہو گئے جن کے والدین ان کے والدین کی سب کی بخشش و مغفرت فرما ہمیں ان کا دست و بازو بن کر اے پاک پروردگار ان کے ساتھ وہی برتاؤ جو انہوں نے بچپن میں ہمارے ساتھ کیا اسی طرح کی محبت قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما بے چینوں کو چین عطا فرما بے اولادوں کو اولاد نرینہ صالحہ عطا فرما تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما قرض داروں اور قرض خواہوں دونوں کو بار قرض سے نجات عطا فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام جو جو لوگ ہمارے ساتھ اس دعا میں شریک ہیں جس کے دل میں جو نیک تمنا ہے آرزو ہے برآوری ہے اے پاک پروردگار ان کی نیک تمناؤں مرادوں کو آرزوؤں کو قبول اور منظور فرما اے پاک پروردگار ایمان کی سلامتی عطا فرما ایمان کی سلامتی عطا فرما میرے ملک پاکستان کی خیر فرما میرے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلیٰ اس کے ساتھ یہاں وقت ہوتا ہے بریک کا۔ بریک کے بعد جب واپس لوٹیں گے تو سیٹ پہ اذان مغرب کے ساتھ لوٹیں گے، اور اس ٹرانسمیشن کے بعد آپ تفسیر قرآن مفتی سعد جاوید کے ساتھ دیکھ پائیں گے۔ اس کے ساتھ وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے رہیے نور الرحمان عشق رمضان۔ اشهد ان لا
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة